बच्चो <laughs> ये मेरे <ले> लिए था क्या थैंक यू सो मच अरे अरे वाह मतलब बाहर जाते ही पार्टी चेंजेस <laughs> सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी आई होप नाम तो सुना होगा आई टीच जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो आई होप डायरेक्ट टैक्स आपका बहुत अच्छे से हो गया है यहां पे तो हो गया है आई होप आपके पे भी हुआ होगा एंड द नेक्स्ट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जी एस टी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क का पेपर इज ऑफ जीएसटी वी नीड टू कवर इच एवरी टॉपिक एवरी एवरी वर्ड वो भी प्रैक्टिकली ओके okay? चलो बात शुरू करता हूं मैं रिगार्डिंग जीएसटी जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं गुड मॉर्निंग आपको भी uh, सरकार सबसे पहली बात मैंने एजम्शन लिया है यह प्रिजम्पन लिया है कि आपको जीएसटी का जी भी नहीं आता है सर ओब्वियसली सर मन की बात कह दी है आपने तो गुड ठीक है सो राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव टू बिगिन एंड टिल टॉप वी हैव टू रीच ओके ये अपना टारगेट रहेगा इन द कमिंग सेशंस ओके बच्चो क्लियर अच्छा मेरे को आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है मैंने ये तो पहले लेक्चर में शुरू करते ही बोल दिया है कि मैंने एजेंशन लिया आपको कुछ भी नहीं आता है कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं ठीक है तो इट्स नाउ माय जॉब टू टीच यू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी जो आपके सिलेबस में आता है वो ओके okay, बस मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन किया है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सेम डे आपको जाके घर पे एक बार रिवाइज करना है इट वॉन्ट टेक मच टाइम ये मेरा एश्योरेंस है आप चार पांच लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ घर जाने के बाद टाइम ज़्यादा नहीं लगता है बट जो भी टाइम लगे भले ही दस मिनट लगे हाफ एन आवर लगे कुछ भी लगे बट डेली बेस पे अगर आपने रिवाइज़ किया है ये मेरा वादा है आपसे जो मैं आपको आज फर्स्ट डे जो बात कर रहा हूँ लास्ट डे भी याद रहेगी विथ एग्जाम्पल्स ये मेरी गारंटी है मैं याद करवाऊंगा नहीं याद हो जाएगा क्योंकि प्यार किया नहीं जाता प्यार? देखा ये देखो आप ये देखो आप ओके चलिए सर शुरू करते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसे पहली बात तो ये कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कैसे जीएसटी आया कब से आया क्यों आया व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट क्या फंडामेंटल रहे थे क्या तकलीफ थी क्योंकि जीएसटी को बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब इंडिया जब आजाद हुआ था उसके बाद का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म को रिक्वायरमेंट तो कि आखिर जीएसटी लाना पड़ा मतलब मोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया का कहा जाता है क्या जीएसटी इंडिपेंडेंट इंडिया का तो आखिर क्यों आखिर ऐसा क्या था आखिर क्या तकलीफ थी पुराने लोग के अंदर एंड वाई दिस टैक्स इज सो इंपॉर्टेंट हर एक चीज अपने को समझना है ओके okay? तो शुरू करें क्या पक्का ओके okay. तो सर शुरू करते हैं पढ़ाई जीएसटी का काम लेके प्रभु का नाम आइए बच्चों सर सबसे पहली बात तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन आई होप आपको आते होंगे पर मैंने प्रेज लिया आपको कुछ भी नहीं आता है ठीक है बात शुरू करते हैं हम सबसे पहली बात ओके <coughs> okay. दिख रहा है आपको कंफर्टेबल आवाज सही आ रही है आपको लास्ट में पका बस दिल को आगे बहुत है भाई सर ओके गुड ऑनलाइन में जो बच्चे हैं कंफर्टेबल चलिए सर शुरू करते हैं बात को सबसे पहली बात <coughs> टैक्सेशन की अगर हम बात करें सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ओके डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों अच्छा ये जो यहां लेक्चर चलेंगे ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा टू वे कम्युनिकेशन होगा ठीक है और केवल डायलॉग बाजी नहीं कंटेंट में भी बात करेंगे हम लोग ओके okay? चलेगा आपको गुड जो ऑनलाइन में है वो भी प्लीज मेरे से बात करिएगा आप लोग ओके okay. सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है डायरेक्ट टैक्स एक छोटा सा एग्जाम्पल अ अमेन में आपसे पूछ रहा हूं आई डोंट नीड एनी टेक्निकल आंसर ओके जो भी बात करूंगा जनरल आंसर दीजिए मेरे को आप कोई बुक का आंसर मेरे को नहीं चाहिए वॉट इज डायरेक्ट टैक्स जी क्या सर पर्सनल टैक्स एग्जाम्पल और जैसे एग्जाम्पल इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन दर्सन बॉर्न दर्टन ऑफ द टैक्स ओके यस एग्जाम्पल इनकम टैक्स क्लियर इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स ओके इनकम टैक्स में क्या होता है सर मतलब कैसे टैक्स कलेक्ट करता है कौन टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है किससे कलेक्ट करता है जिसकी इनकम होती है सर वो दिख रहे फोटो आपको लास्ट वाला छोड़ देना बेटा क्लियर सर आप समझे मेरी बात जो इनकम कमाते हैं उनसे इनकम टैक्स उन्हीं से ले रहे ना सर डायरेक्टली क्लियर तो जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसी की पॉकेट से वो टैक्स जा रहा है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स लेने वाला कौन मतलब टैक्स लेने वाला कौन गवर्नमेंट ओके 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 सर वो क्या कुछ लोगों के एक्सप्रेस मेरे ऐसा देखिए बिना मैं खुद क्लियरिटी देता तो हूं आपको मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे ओके सर सो टैक्स लेने वाला कौन गवर्नमेंट टैक्स देने वाला कौन सर हम लोग हम लोग जनता लोग क्लियर अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स इनकम कमाया इनकम टैक्स दिया बात खत्म क्लियर समझे मेरी बात ओके सर आपने जो ये शर्ट हुआ है जो कपड़े पहने हुए हैं जो वॉच पहनी हुई है जो नोटबुक आपने लिया हुआ है जो पेंसिल आपके हाथ में है जो पेन आपके हाथ में है कैश पे आपने टैक्स पे किया क्या गवर्नमेंट को पे किया गवर्नमेंट को पे किया है, है? किसको पे किया सप्लायर को जिसने बेचा था माल आपको हा है ना भाई क्लियर क्या वो उसकी रेवेन्यू है क्या उसने क्या किया होगा वो टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया होगा तो अल्टीमेटली लिया किसने टैक्स लिया किसने government दिया किसने अल्टीमेटली आप लोगों ने क्या हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है पर दिया तो गवर्नमेंट को ही हमने टैक्स पर क्या हमने दिया डायरेक्टली पर लिया हमसे ये ना डायरेक्टली लिया क्या इनडायरेक्टली लिया ना इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स समझे समझा आप मेरी बात बिल्कुल बेसिक से बात करो आप हंड्रेड परसेंट चीज समझ में आएगी सर मैं आपसे कह रहा हूं आ, दिल से बात होनी चाहिए हमेशा अगर दिल तक बात पहुंच रही है मतलब याद अपने आप अप हो जाएगा अपने आप याद हो जाएगा सर याद करना ही नहीं है अपने को ओके ठीक है सर ओके तो सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं मैं आपसे तो एग्जाम्पल इज जीएसटी सर्विस टैक्स एक्साइज वेट पहले हुआ करते थे अभी कुछ गुड्स पे लगते हैं ये लोग टैक्सेस अरे हाँ है ना भाई क्लियर सो दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस दीज आर चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज समझे मेरी बात और सर डायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज ऑन चार जिसकी इनकम है उस पर टैक्स इसलिए आपने बोला था पर्सनल टैक्स क्लियर गुड ओके तो सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है एक छोटा सा आपको आइडिया लग गया है सर हा भाई यार उससे पहले मुझे बताओ आप ठीक है डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो मेरा सबसे पहला पॉइंट आपसे ये टैक्सेस क्या होते हैं यार डायरेक्ट टैक्स हो या इंडायरेक्ट टैक्स हो वो ठीक है टैक्सेस होते ही क्या आखिर ये रेवेन्यू ऑफ दी गुड वेरी गुड अच्छा जो भी बातें भी कर रहा हूं आपसे हो सकता है आपको आती हो पर सर कई बार चीजें आती है पर वो बुक से कनेक्ट नहीं होती अपने को तो जो आपको आती है वो बात करिए मेरे से आप मस्त हो गया ओके ऐसा मत सोचो कि यार ये तो मेरे को आता है फालतू टाइम पास चल रहा है वो टाइम पास आपकी बुक से ऐसा लिंक होगा मजा आ जाएगा सर आपको ओके okay, वरना होता क्या नॉर्मली कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर कुछ और रहे बुक्स में कुछ और लिखा है कुछ और ही पढ़ रहे लिंक ही नहीं है कुछ अपना ओके okay? तो जो आपको आखिर वो वो okay? okay. तो आप ये टैक्सेस क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो देखो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये तो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का कलेक्शन का पर सर अल्टीमेटली टैक्सेस है क्या रेवेन्यू ऑफ दी ओहो ज दवर्नमेंट सरकार हा जी हु गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बीजेपी कांग्रेस सर कौन हाजी सर वेरी गुड आंसर सो सरकार कौन बताए कौन है बताए कौन है इंडिया के अंदर भाई डेमोक्रेसी चलता है रे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री कोई प्रेसिडेंशियल रूल यहां नहीं चलता है सर ऐसा नहीं है कि राजा ने कह दिया बात खत्म बात मानना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं है यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा हाँ ना सर अरे क्लियर पक्का तो सर मतलब गवर्नमेंट कौन जनता ही चलाएगी देश जनता के लिए ही चलाई जाएगा अरे ये मतलब, गवर्नमेंट कौन हम सब लोग वी दी गवर्नमेंट तो सरकार कौन आवाज नहीं आई सरकार कौन ऐसा हम बोलते हैं सर यस नाउ वे आर दवर्मेंट मतलब इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया बेटा ओहो गवर्नमेंट कौन बोलो गवर्नमेंट चोरे बोलो बोलो सर गवर्नमेंट अच्छी ना बेटा गुड <laughs> तो सर गवर्नमेंट कौन हम अब सर बात यही आती है कि आखिर हम लोग देश चलाएंगे कैसे चलाएंगे सर लॉज बनाएंगे कानून बनाएंगे उसमें चेंजेस करेंगे नए लॉ लेके आएंगे पुराने लॉ हटाएंगे कौन करेगा हम लोग करेंगे सर हम कैसे करेंगे यार सर तो हमने क्या किया यस yes. हमने हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड हंसते क्या हो अपने आप पे सर तो हमने क्या किया हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड लोग थे उनको हमने इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शन और हमने इलेक्ट करके बोला कि ये हमको रिप्रेजेंट करेगा इन्होंने बोला मतलब हमने बोला ऐसा क्लियर सो so, अगर सेंट्रल लेवल की बात करूं तो अल्टीमेटली देफॉर्मड पार्लियामेंट अल्टीमेटली देफॉर्म्ड पार्लियामेंट अरे यस नो इसलिए आपने देखा होगा कि सर कोई भी लॉ अगर बनता है तो द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है फाइनेंस बिल आता है पर वो प्रपोजल होता है केवल क्लियर जब वो बौद्ध हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं उसके बाद वो एक्ट बनता है यस नो? पक्का बचो वेरी गुड तो सर इसलिए गवर्नमेंट कौन हम पर सर जितने भी पावर्स है गवर्नमेंट के ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर पार्लियामेंट्री पावर्स ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर पार्लियामेंट्री पावर्स राइटिंग समझ मारा बेटा ठीक है गुड थोड़ा थोड़ा बिगड़ेगा अभी <laughs> सर ओके <okay. laughs> क्या दर्शन से अच्छा है मेरा विजय सर से भी अच्छा है सर चलो <laughs> सर जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स मतलब सर कोई भी लॉ फ्रेम करना है नया लॉ लेके आना है पुराना लॉ हटाना है कोई अमेंडमेंट करना है कौन करेगा भाई आवाज नहीं आ रही सर पार्लियामेंट पार्लियामेंट बेटा पार्लेमेंट मतलब हम लोग एक तरह से मतलब सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट हो पार्लियामेंट के अंदर इट मीनस प्रदेश प्रेजेंट है बेटा क्योंकि देश के हर कॉर्नर से जो हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए वो वहां बैठे मतलब पूरा देश वहां बैठा है पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है अरे यस या नो क्लियर मतलब कोई भी लॉ नया बनाना है, कौन बनाएगा बच्चों पार्लियामेंट yes. हम मतलब पार्लियामेंट बेटा है हाँ है ना सर क्लियर yes. कोई लॉ चेंज करना है कौन करेगा पार्लियामेंट क्लियर पक्का किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा ओके yes. okay. यार पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं बेटा आपने सुना होगा संसद के सत्र चल रहा है संसद का हाँ ना भाई क्या साल भर सेशन चलता है क्या तीन सेशन चलते बेटा अरे हाँ है ना एवरेज बीस पच्चीस दिन का एक सेशन होता है सर अरे भाई ऐसा तो नहीं ना कि सारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में भी डरेंगे सर नहीं ना पार्लियामेंट के सेशन होते सर अब मान लो अच्छा मैं जब बोलता हूँ ना मान लो तो आपको बोला मान लिया ठीक है सर ऐसे ऐसे अब मान लो गुड पार्लियामेंट का कोई सेशन अभी चार दिन पहले खत्म हुआ है सर समझने की कोशिश करना मैं चाहता हूं कि चीजों को हम डिस्कस करें प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाए और बात करें सर ओके okay? हम लोगों को बनाएंगे लोगों को याद नहीं करेंगे सर सुना बात को ध्यान से <clears throat> मालिक सपोज पार्लियामेंट का सेशन अभी चार दिन पहले ही खत्म हुआ है सर और आज पुणे में इतनी बारिश आई इतनी बारिश आई कि सब तरफ पानी पानी हो गया पता है देश का मैक्सिमम शुगर लगभग लगभग नाइनटी परसेंट शुगर कहां स्टोर होता है पता है आपको नहीं पता आपको नहीं पता तो मेरे को बताना बहुत आसान है बेटा क्लियर सर सो मान लो पुणे के अंदर देश का लगभग लगभग 90 परसेंट शुगर यहां स्टोर होता है अब सर अब इतनी बारिश आई कि हर तरफ पानी पानी शक्कर खराब होगी सर अब सोचो आप <coughs> सोचो आप सोच ले नहीं सोच रहे सोच लिया तो फिर मैं बोलूंगा क्या आगे सर अब ऐसे केस में <coughs> देश का लगभग लगभग 90 परसेंट शक्कर खराब हो गया है अब सोचिए आप शुगर जैसी बेसिक नीड वाली गुड्स शुगर जैसी बेसिक नीड वाली गुड्स अगर खराब हो गई डिमांड तो उतना का उतना है बच्चों सप्लाई एकदम कम हो गया क्या होगा सोचो आप क्या होगा सर प्राइसेस एकदम हाइक हो जाएगी सर और शुगर जैसी गुड्स की प्राइसेस अगर इतनी हाइक हो गई तो सर सोच देखिए इकोनॉमी का क्या होगा सर है हाँ ना भाई अपोजिशन पार्टी तो कह देगी सर कि आप ही ने बारिश कराई थी आपकी वजह से हुआ है हाँ ना क्लियर समझे मेरी बात इधर से आलू डालो फैक्ट्री के अंदर और उधर से अब सर सवाल यह आता है सवाल यह आता है भाई वट इज दैट कि शुगर जैसे गुड्स अगर इतनी ज्यादा खराब हो गई डिमांड उतना है सप्लाई बिल्कुल कम हो गया इकोनॉमी की बैंड बजने वाली रजिस्ट्रेशन का टाइम आ जाएगा सर अपने यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नाउ पॉइंट इज दैट ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सर कि देश का शुगर खराब हो गया है कि यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे देश को मेरे प्यारे मित्रों देशवासियों देश में शक्कर की बहुत कमी हो गई है जाइए अपने अपने फार्म पर जाइए और कल मॉर्निंग में हमको शक्कर चाहिए हो जाएगा भाई इट्स एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुगर केन वो प्रोड्यूस होगा इसका अपना टाइम है भाई उसके बाद वो फैक्ट्रीज में जाएगा क्रश होगा और उसके बाद उसका शुगर बनेगा वो सब टाइम लगेगा तब तक क्या करें शुगर फ्री मतलब देश का सारा शक्कर खराब नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा मीन इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया जाए इंपोर्ट को प्रमोट किया जाए बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट शुड प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ शुगर अब शुगर के इंपोर्ट को अगर प्रमोट करना है मोटिवेट करना है तो क्या करना चाहिए सर उस टाइम पर क्या कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है? क्या लगती, तो लगती है सर। तो आप मुझे बताओ, अगर उस पर इंपोर्ट ऑफ शुगर को प्रमोट करना है मोटिवेट करना है भाई क्लियर कस्टम्स एग्जिम करना मतलब कस्टम्स के अंदर अमेंडमेंट करना है बेटा लॉ के अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है पार्लियामेंट तो अभी चार दिन पहले ही खत्म हुआ

हा है ना भाई क्लियर था आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए सर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ सकता है आंसर इज नो तो क्या करें आप इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने जब एक्ट बनाया इसीलिए हम लोगों ने जब कानून बनाए हमने कुछ सेक्शंस ऐसे बनाए जिसके अंदर डायरेक्ट हमने पावर गवर्नमेंट को दे दिया हमने डायरेक्ट पावर वहां गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिया उनको बोलते डेलीगेटेड पावर हमने कस्टम्स के अंदर सेक्शन नंबर 25 बना दिया सेक्शन नंबर 25 में हमने लिखा क्या गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एक्सिमिशन टू एनी ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ इन पब्लिक इंटरेस्ट इंटरसिप रिक्वायर्ड हा है ना हमने सेम सेक्शन नंबर 11 बनाया है जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एक्सिब्यूशन टू एनी ऑफ द द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी हमने सेक्शन नंबर आई बना दिया आईजीएसटी एक्ट के अंदर हमने ऐसे कई सारे सेक्शन बनाए आपने भी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है आप भी लॉ पढ़ रहे हो आपने भी कई सारे कानून सुने होंगे बोर्ड पावर हैवर्नमेंट है सुना होगा ना सर आपने क्लियर वो सेक्शन हमने बनाए हैं सो दे इस तरह की सिचुएशन में कभी पार्लियामेंट का इंतजार नहीं करना पड़े और डायरेक्ट गवर्नमेंट उस केस में अमेंडमेंट कर सकती है बेटा पर वो हमने पावर सारे सेक्शन में नहीं दिया है बेटा कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही दिया है पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती सर हाँ है ना हमने कुछ सेलेक्टेड सेक्शन में ऐसा पावर देखे गवर्नमेंट को ही पावर डेलीगेट कर दिया और बोल दिया क्या नाउ यू कैन डायरेक्टली मेक द अमेंडमेंट बाई गिविंग द एग्जीशन एटसेट्रा वोट एवर इट इज हा है ना भाई नोटिफिकेशन इशू करके ऑर्डर्स इश्यू करके लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं जो जो आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस पास करते थे स्पेशल क्लियर तो वो नोटिफिकेशन देने का पावर है ऑर्डर्स करने का पावर है वो हम लोगों ने एक्ट के अंदर दिया है जब हमने एक्ट ड्राफ्ट किए थे इस सिचुएशन को देखा कि एवरी टाइम एवरी डे पार्लियामेंट कैनोट रन इसलिए हमने क्या किया कुछ पावर्स डेलीगेट कर दिए उनको बोलते डेलीगेटेड पावर्स आप देखते होंगे अमेंडमेंट्स सर मैं इस बार जीएसटी इज कंसर्न मैं अगर इंड टैक्स की बात करूं तो ऐसे केस में जीएसटी के अंदर आप देखते होंगे सर हर कुछ टाइम में अमेंडमेंट हो रहे जा रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं पार्लियामेंट तो एक बार फाइनेंस एक्ट तो एक बार था साल में बेटा फिर अमेंडमेंट कहां से होती है बच्चे क्लियर वो अमेंडमेंट यहां से होती समझे मेरी बात तो हम लोगों को एस इस GST concerned, Finance Act के के अंदर अंदर तो बहुत कम होते हैं की बात आपसे क्योंकि देखो के चलता है और यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है क्योंकि यहां टैक्स रोज पे करना होता है अरे ये नो आप किसी दुकान पे गए आपने वॉच परचेज किया क्या उसी टाइम टैक्स देना पड़ेगा साल के एंड में दोगे दे

अच्छा ये क्या होता है बेटा एक बार बता रहा हूं आपसे मुझे टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट कौन टैक्स कौन पे कर रहा किसको पे कर रहे अरे बाबा अरे हाँ है ना भाई तो सर आप मुझे बताओ आज रोड बनानी है सिक्योरिटी के लिए पुलिस आर्मी अपॉइंट करना है कौन करेगा गवर्नमेंट कौन? कौन हमारे लिए तो भाई है भाई ये फंड कहाँ से आएंगे हमसे ही आएंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इट्स अ काइंड ऑफ कंट्री क्लियर जिसका हमने सिस्टम फिक्स कर दिया क्योंकि अगर वॉलेंट्री कंट्री कर दे तो ना हो पाएगा अपने आपको देख रहे हो बेटा आप लोग अरे हाय ना सर समझा मेरी बात इसलिए हमने एक्ट बना के डिफाइन कर दिया कि यह परसेंट इतना टैक्स देगा यह परसेंट इतना टैक्स देगा जो बेसिक गुड्स खाता है केवल उसे कम टैक्स लो जो अमीर है जो लग्जरी गुड्स यूज करता है उसे टैक्स हायर लो हाय ना भाई इस अकॉर्डिंग टैक्स लॉस ड्राफ्ट किए गए हैं इस अकॉर्डिंग एक्ट बना हुआ है आप मुझे बताओ एक्ट जितने भी बने हुए हैं जितने भी लॉज बने हुए किसने बनाए आवाज नहीं आ रही यही हमने बनाया किसी और ने बनाया हमने बनाया किसके लिए बनाया क्या वो इलॉजिकल होंगे एवरी फ्रेज एवरी सेंटेंस एवरी सेक्शन रूल सब सेक्शन प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन ये सारे लॉजिकल है किसने बनाया समझा मेरी बात क्लियर क्या हम इ लॉजिकल बात करेंगे क्लियर लॉजिकल होगी प्रैक्टिकल होगी लोगों के काम क्योंकि इसलिए हमने एक्ट में लिखा है तो हमने हम, आ, मेरा काम किया है और हम सबका काम किया है उस चीज को समझना या, या उसको याद करना मगब करना है समझ रहे मेरी बात आप बच्चों क्लियर उसको समझना है सो so दैट हम उसको इंप्लीमेंट कर पाए कुछ टाइम बाद जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे तो वहां पर प्रैक्टिकली आपको वहां पे इंप्लीमेंट करना होगा आपने कोई क्लाइंट आया ऑडिट करने गए या क्लाइंट प्लेस पर आप वहाँ आपने उसको सेक्शन का डेफिनेशन पूरा पूरा करके बोल दिया क्लियर उसको समझ में आएगा उसको बोले वो क्या बोले यार भाई अल्टीमेटली हुआ क्या है बता मुझे तू है हाँ ना इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉज कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता कि आप की लैंग्वेज याद करें है ना भाई

ओके सर सर्विस ना बेटा क्लियर ओके सुना बात ध्यान से नाउ पॉइंट इज दैट बिहार है और इन्होंने तो मेरे को लग रहा है आपका पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है ना <laughs> किसने बिगाड़ दिया आपको मेरे को तो सर बोल रहे थे कि आपने उनको बिगाड़ा है उन्होंने बिगाड़ा आपको पर आप बिगड़ गए हो बेटा अब कुछ नहीं हो सकता आइए सर अब पॉइंट है आपसे कि पता है, अगर आप मेरे को नहीं बिगाड़ोगे ठीक ठीक है, है। कोई कोविड की बीमारी तो नहीं बेटा छूने से फैल जाती है बेटा ये। क्लियर है सर छूने से पता नहीं क्या क्या फैलता है बेटा आइए सर मान लो सर इधर इधर ओके सरकार सुना ध्यान से बात को एक एग्जाम्पल देता हूं बात समझने की कोशिश करना उससे आपको समझ में आएगा कि मैंने लास्ट हाफ एन जो बात करी उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है अगर कभी भी अस मैं आपसे की जीएसटी की बात आपसे अगर कभी भी कोई असैसी जीएसटी पे करने में लेट हो गया क्या हो गया बेटा असैसी लेट हो गया नहीं बोला मैंने जीएसटी पे करने में लेट हो गया बेटा ठीक है ना सर तो ऐसे तो केस में सर अगर उसने गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया है वो लेट पे किया है तो क्या होगा बेटा फांसी की सजा है ना बेटा तो पेनल्टी ओके ध्यान दीजिए बेटा अगर कभी भी कोई ऐसे टैक्स पे करने में लेट होता है तो उस पे लगता है इंटरेस्ट रेट ऑफ एटीन परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज दो दिन लेट तो दो दिन का इंटरेस्ट बेटा ठीक है मालिक अच्छा पेनल्टी तो अलग चीज है बेटा देखो पेनल्टी लगती है ऑफेंस करने पर तो गुनाह किया तो लगती है पेनल्टी लेट पे किया तो इंटरेस्ट अरे आपने भी बैंक से लोन लिया होगा किसी भी पर्सन अगर बैंक से लोन लेता है क्या लगता है बेटा इंटरेस्ट ना टाइम वेली ऑफ मनी गवर्नमेंट का पैसा लेट पे पे करो इंटरेस्ट डेट्स इट यही अगर यही अगर कभी मान लो आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया था या किसी कारण से आपको रिफंड बनता है बेटा क्या बनता मतलब मालिक और रिफंड का अमाउंट अगर गवर्नमेंट पे करने में लेट हो गई है जीए। जीएसटी कितने बोला है सिक्सटी डेज का टाइम कितना आपने जिस दिन रिफंड के लिए अप्लाई किया अगर आपकी वैलिड एप्लीकेशन थी आपकी सही एप्लीकेशन थी एवरीथिंग वाज फाइन एंड यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड तो सर 60 डेज में गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा सर और रिफंड दे दिया तो कोई तकलीफ नहीं नहीं पर 60 डेज के अंदर रिफंड दिया तो फ्रॉम द फर्स्ट डे नाउ द गवर्नमेंट विल ऑल्सो द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट और वो भी सिक्सटी डे से और हमारे लिए फर्स्ट डे से ही मतलब जीएसटी मंथली पे करना होता है ट्वेंटी नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट जैसे जनवरी का बीस फरवरी ट्वेंटी इज द ड्यू डेट फॉर जनवरी मंथ का लाइबिलिटी अगर आपने इक्कीस को पे किया तो भी एक दिन का इंटरेस्ट पे करो आप क्लियर हमारे लिए तो वेरी नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट वो भी कितना एटीन परसेंट पर नाम और खुद की बात आई तब सिक्स परसेंट परिणाम वो भी सिक्सटी फर्स्ट डे से बड़िंदा इंसाफी बेटा ये अत्याचार हो रहा है हमारे पे ओके चलो तो क्या करे चलो अत्याचार हो रहा है सर गलत हो रहा है हमारे साथ क्या करना चाहिए बताओ या तो हमारे लिए भी सिक्स परसेंट कर दे इंटरेस्ट बेटा या फिर गवर्नमेंट के लिए भी एटीन कर दे हाँ है ना चलो बात कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं सर झगड़ा करने से क्या होगा सोच देखो अगर हमारे लिए सिक्स परसेंट पर कर दिया तो क्या होगा लोग तो जान बुझ के लेट पे करेंगे क्यों भाई बैंक से लोन पे इंटरेस्ट कितना है पंद्रह परसेंट अठारह परसेंट ट्वेल्व परसेंट डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हा है ना भाई बैंक से लोन लिया बारह तेरह पंद्रह परसेंट इज द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां अगर सिक्स परसेंट हो तो लोग तो क्या करेंगे भाई मज लेंगे बेटा अगर किसी का मान लो मंथली जीएसटी का लाइब्रेटी आता दस लाख रुपए का मंथली टेन लाख का लाइब्रेटी है किसी एस एस का सर उसको फिफ्टी लेख का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए वो कहीं अप्लाई नहीं करेगा पांच महीने जीएसटी पे नहीं करेगा बेटा पचास लाख अरेन्द क्लियर वो मतलब हर महीने का लाइब्रेटी पांच महीने बाद पे करेगा बच्चा पेमेंट साइकिल पांच महीने लेट करेगा फिफ्टी लेख का वर्किंग कैपिटल अरेज वो भी सिक्स परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट क्लियर समझे और खास बात कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं कोई सिक्योरिटी देने का ही नहीं बेटा और पता है अगर कभी फिफ्टी की जगह सिक्सटी लेट चाहिए तो एक महीने और लेट पे कर दे किसी को अप्लाई नहीं करना है और अगर पैसे आ जाए तो इमीजिएटली पे कर दे इंटरेस्ट बंद कितना इजी सिस्टम हो जाएगा यार हर कोई मजे लेगा बेटा ये तो क्लियर अब आप मुझे बताओ इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए सर सिक्स परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया तो क्या सही है क्या बेटा क्या होना चाहिए सोलह सत्रह अठारह परसेंट तो फ्रॉम द बैंक तो एटीन सही है कि नहीं सर मुझे बताओ आप सिक्स नहीं हो सकता बेटा क्लियर ठीक है ओके वी एक्सेप्टेड ठीक है इनकली कर दो सर हाँ है ना अब सोचो अगर गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट एटीन परसेंट पर नम कर दे तो क्या होगा अरे लोगों का तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा आप समझ रहे हो सर एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सिक्स परसेंट सेवन एट परसेंट मैक्सिमम और क्या हो सकता है हाँ है ना सर क्लियर सर स्टॉक मार्केट में लोग खेलते हैं क्लियर वहां बारह परसेंट तेरह परसेंट पंद्रह परसेंट हमको लगता है बहुत अच्छा रिटर्न है क्लियर है अठारह परसेंट लोगों का इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा आज कहा इन्वेस्ट करना है जीएसटी में इंटरेस्ट करना है <laughs> हाँ ना सर <laughs> समझा मेरी बात अब आप मुझे बताओ अगर कोई नॉर्मल एस एस सी एफडी में अगर इन्वेस्ट करेगा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स सेवन एट लगभग क्लियर इसलिए उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा बेटा सिक्स परसेंट रखा अब आप मुझे बताओ क्या सिक्स होना चाहिए एटीन होना चाहिए बेटा सही क्या गलत किया बेटा तो सर हमारे लिए 18 सही है गवर्नमेंट के लिए सिक्स सही है क्लियर सर आप मुझे बताओ पांच मिनट पहले आप क्या थे? चला रहे थे गलत हो रहा है वो, बड़ी ही है, बड़ी हमारे से 18, खुद से सिक्स और पांच मिनट बाद आप क्या रहे हो दिस इज द डिफरेंस इन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बात समझ रहे हो आप बात समझ रहे हो सर सर हर एक चीज लॉजिकल है बोला ना मैंने आपको सर हर एक हर एक हर एक सेक्शन हर एक प्रोवाइज हो क्या है कंप्लीटली लॉजिकल है आप मुझे बताओ अगर ये लॉजिक मैंने आपको नहीं बताया होता तो यही गाली देके पढ़ रहे होते आप या तो यही करना है एग्जाम में तो ये लिखना है परी कैसे कर रहे होते रट रहे होते मगब कर रहे होते याद कर रहे होते क्वेश्चन कर दिया पर तो जीवन के अंदर कुछ आया कुछ नहीं हाँ ना अब मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉमिस है वादा है जीवन भर भूलने की कोशिश करके देखना इसको कोशिश करके देखना गई है है हाँ ना भाई क्लियर मैं आपसे यह चाहता हूं क्लियर सर समझा मेरी बात जो इससे पहले मैंने हाफ एन आवर बोला था ना, आपको बेटा गवर्नमेंट कौन लोग इसने बनाए क्या इलॉजिकल होंगे आप समझ में आया बेटा बात मैं क्या कहना चाह रहा था तो जो मैंने वादे करे थे आपसे वो दिखा भी रहा हूं इस तरह से लो बने यार, so क्योंकि देश के चार्टर को लो समझ में नहीं आएगा कंपनी सेक्रेटरीज को लो समझ, में नहीं, आएगा, को लो समझ में नहीं आएगा देश जनता को क्या खाक समझाएंगे हम लोग है हाँ ना बच्चों तो आपको और मेरे को उस विजन के साथ पढ़ना है आपको आगे बढ़ना है सो लेट्स बिगिन विद होप शुरू करेगा बेटा हम लोग अरे शुरू करेगा बच्चों पक्का अच्छा बात समझ आ रही है आपको मेरी कंफर्टेबल एवरीबडी पक्का जो वीडियो क्लास में कंफर्टेबल बच्चों ओके तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स शुरू कर बच्चा okay. तो सर एज फार इज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न फिफ्टी मार्क का जो आपका कंटेंट है सर हम वो शुरू करते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्स्ट जुलाई टू को इंट्रोड्यूस हुआ था हा भाई फर्स्ट जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ जीएसटी अब सरकार इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर कोई है तो उसका नाम क्या है कि आखिर जीएसटी क्यों आया आगे आया तो हम पढ़ लेंगे सर क्यों आया क्या तकलीफ थी क्लियर वो समझने की कोशिश करना तो जीएसटी अपने आप ऐसा कनेक्ट होगा मजा आएगा सर आपको ओके okay, बच्चों चलिए तो सर बिफोर जीएसटी क्या होता था हमें बात करते हैं बेटा क्या बेटा वेट ओके, ओके 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 हाँ नहीं बात करता आपसे तो सर बिफोर जीएसटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिफोर जीएसटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज ड्यूटी वो चार्ज क्या चार्ज होता था बेटा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या नाम था बेटा इट वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स एक्साइज वॉज चार्ज उन्हीं गुड्स अगर आपने बेचा है तो क्या लगता था बेटा वेट सेल्स टैक्स हा भाई अच्छा अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं कौन बेटा मैं अगर तो मैंने गुड्स बनाया भी है और बना के फिर बेचा भी है बेटा तो मैन्यूफेक्चर पर दो टैक्स लगता तो था नाम क्या था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राइट ठीक सर इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर आप अगर सर्विस सेक्टर में हो बचो तो कुछ मैन्युफेक्चर तो कर नहीं रहे हो बेटा कोई गुड्स तो बेच नहीं रहे बेटा क्लियर तो सर्विसेज पे लगता था क्या सर्विस टैक्स क्या लगता था मालिक सर्विस टैक्स जो 1994 से इंट्रोड्यूस किया था सर जवाब शायद थे ही नहीं, नहीं थे थॉट्स में होंगे बेटा सर सुनना <laughs> सर, सरकार आप भी बच्चों अपने पेरेंट्स के ड्रीम हो ध्यान रखना आप अभी आपको देख के वो जो ड्रीम देख रहे हैं ना वो तो अलग बात है पर आप उनके सपने हो क्लियर हर बच्चा अपने पेरेंट्स का ड्रीम होता है ध्यान रखिए आप क्योंकि एक माँ तो बच्चे को पैदा करती ही करती है एक बच्चा माँ को पैदा करता है क्यों कि उस बच्चे की वजह से वो माँ बनी है हाँ ना इसलिए सर आप लोगों को हमेशा जीवन में ध्यान रखना है आपके जो पेरेंट्स आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं आज की तारीख में ठीक है वो कई बार हमको दिखती नहीं है हमको एहसास नहीं होता बट यू नो मतलब कोई भी कोई भी चीज आप करो तो उससे पहले एक बार पेरेंट्स को जरूर आप माइंड में रखिए उनकी इमेज लाइए फिर जो कर रहे हो आप करो आपका दिल खुद के देखे सही है गलत है सही है वही करने का हमेशा आइए बच्चो सर सुना बात से 1994 में पहली बार आया था क्या सर्विस टैक्स सर और एक्साइज और वेट चार्ज होता था किस पर गुड्स पर बच्चों है हाँ ना भाई ठीक सर तो अभी हम बात करें बिफोर द जीएसटी एस टी एरा दी ओके अच्छा वैसे तो आ, आप सबकी मोबाइल बंद है आपका सबका ध्यान मेरी तरफ ही मुझे बताया पर केवल दो या तीन बच्चे ऐसे हैं सर जिनका फिंगर मोबाइल पे गया था सो so, आप लोग प्लीज आ, आप समझ जाओ जिसको मैं कह रहा हूँ ठीक है मेरे को तो यहाँ खड़े खड़े ये भी दिखता है कि कौन किसको देख रहा है किसका हाथ कहां पर है सब पता रहता है सर ओके okay? तो <laughs> बोलता नहीं बीच बीच में सर मैं ताकि आपका फ्लो नहीं बिगड़े इवन दो तीन बच्चों की वजह से सबका फ्लो बिगड़े यार ठीक है पर ध्यान रखता मैं सब कुछ तो पर पर हाँ मेरा पॉइंट भी मोबाइल के लिए बेटा है ना बाकी प्यार तो होना ही चाहिए लाइफ में बेटा जी किस लिए रहे सर सुनना सीए किस के लिए बन रहे है ना बेटा अबे हा सर पेरेंट्स बना नहीं बना तेरे को बेटा ठीक है हा ऐसे करने से नहीं बनते सर <laughs> 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 ओके 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 चलिए चलिए बात शुरू करते हैं तो सर बिफोर जीएसटी फर्स्ट ब्लास सेवेंटीन से पहले की बात के, मैं आपसे कर रहा हूं अच्छा मजा आ रहा पढ़ने में बेटा ठीक है ऐसे ही पढ़ाई करेंगे मस्त की बात करेंगे मोबाइल वोल जो है ना सर बिल्कुल मतलब बेंच भी नहीं होना चाहिए बेटा नहीं फेको नहीं मेरा मेरे को देना देखना अगर किसी को फेंकना कोई तकलीफ नहीं है ओके 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 तो मेरा पॉइंट क्या है मजा आएगा आपको तो, भी मेरे को भी मजा आएगा सर पढ़ाते हुए ठीक है सर आप और हम ये दुनिया अंदर अलग ही चल रही है बस ठीक है ये बाहर की कोई दुनिया है इसमें नहीं है नीवने बच्चे ठीक है तो आपको ही मजा आएगा मेरे को भी मजा आएगा बच्चों ठीक है वैसे तो आप लोग सबको मैंने ऑब्जर्व कर लिया है परफेक्ट चल रहा है मामला ठीक है सर बस एक दो जगह हाँ एक दो जगह बस मोबाइल बीच में आया था ठीक है तो सर आ, आ, बस ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग ओके और कभी कोई इमरजेंसी काम होता तो होता ही है सर कभी कभी बाबू छोड़ा ओके सर चलिए फर्स्ट जुलाई सेवेंटीन से पहले अगर मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करी है अगर मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करी है तो ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो चार्ज ठीक है मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ बेटा उस, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ बच्चों सुनना बात ध्यान से मालिक सपोज ये पेंसिल ठीक है इसका मैं मैं मैन्युफैक्चर हूं बेटा अभी दिखा आपको गुड क्या दिखा बेटा इतना बड़ा मैं खड़ा हूँ दिख नहीं रहा बेटा चलिए मैंने कोई गुड्स बनाया है बेटा अब ये बनाने के लिए मैंने इनपुट तो परचेज किया होगा बेटा ठीक है मैंने इनपुट्स परचेज किए सपोज एम मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स अभी तो पेंसिल काम लगी, पहले मार्कर चलते थे सर तो मेरे सारे एग्जाम्पल मार्कर बने हुए थे सर <coughs> सुनना आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स मार्कर के लिए मैंने इनपुट परचेज किया होगा प्लास्टिक परचेज किया होगा सर इंक परचेज किया होगा कॉटन परचेस किया होगा बहुत सारे इनपुट काम आए होंगे सर क्लियर ऐसे बहुत सारे इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स वगैरह मैंने परचेज किए होंगे सर ठीक है मालिक मैंने सपोज परचेज किया कितने में हंड्रेड में सर ओके okay? अब मैंने इनपुट जो परचेज किया सर क्या नाम मिहिर भाई सर मिहर भाई मैन्युफैक्चरर ऑफ दो इनपुट्स अब इन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो डेफिनेटली होगा टेन परसेंट मान लो कितना होता बेटा टेन रुपी टोटल हंड्रेड एंड टेन गुड तो सर आपने मिहिर भाई ने मेरे को हंड्रेड एंड टेन का इन्वोस लिखा मैंने परचेज किया इनपुट कितने में बच्चों हंड्रेड एंड टेन में ओके मालिक ठीक सर अब इससे मैंने क्या बनाया बेटा मार्कर्स बनाए बेटा अरे क्लियर सर मैंने अब मेरा कॉस्ट कितना 110 सर मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया वैल्यू एडिशन मतलब कुछ खर्चे मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स मार्केटिंग ओवरहेड्स लेबर ब्ला 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 सारे खर्चे पी एंड अकाउंट आपने पढ़ाई ही पूरा बेटा वो सारे खर्चे एक मार्कर पे एलोकेटर मान लो रुपीज़ फोर्टी कितना हो रहा बेटा फोर्टी प्लस इसमें मेरा दस रुपए प्रॉफिट भी आ गया सर मान लो मेरा प्रॉफिट भी इसके अंदर आ गया ओके okay? कितना हो गया मालिक वन फिफ्टी ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया कितने में बन गया ना मैन्युफैक्चर किया है क्या लगेगा बोलो ना एक्साइज ड्यूटी सपोज रेट कितना बेटा टेन परसेंट कितना होता है टोटल वन सिक्सटी फाइव इंडायरेक्ट टैक्स ये मैंने कस्टमर को गुड्स बेचा उसे 165 लिया फिफ्टीन रुपीजी जो, जो एक्साइज था वो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया भारत की जय क्लियर पक्का गुड अब सर बात समझना अल्टीमेटली मान लो सर क्या नाम कौस्तुभ भाई कौस्तुभ भाई इज द बायर जिन्होंने गुड्स खरीदा और यही मान लो एंड कंज्यूमर है सर मान लो ठीक है सर अब इन्होंने 165 में मेरे से मार्कर परचेज किया अल्टीमेटली आप मुझे बताइए सर ध्यान से देखिएगा बेटा सर यहां पर अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर ने परचेस किया वो क्या परचेज किया बेटा मार्कर परचेज किया बेटा अरे ये नो इंड एक्स टैक्स विच इज चार्ज अल्टीमेट कंज्यूमर ठीक है आप मुझे बताइए अल्टीमेटली गुड्स जो आपने 165 में परचेज किया अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं होता तो ये गुड्स कितने में आपको मिलता ये गुड्स अगर इस पर कोई एक्साइज नहीं होता तो कितने में मिलता आपको बेटा 140 मिलता बेटा कैसे 140 फोर्टी बेटा टेन रुपी यहां लगा 15 यहां लगा इसका मतलब टोटल एक्साइज ड्यूटी कितना लग गया बच्चा 25 हा है ना सर ओके ना यू टेल मी व्हाट इज़ द रेट ऑफ ड्यूटी रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मार्कर्स? आवाज नहीं आ रही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्कर विदाउट एनी टैक्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्कर विदाउट एनी टैक्स 140 140 का 10 परसेंट कितना होता है बेटा और हो कितना रहा है क्या सही हो रहा है क्या सही हो रहा है बच्चों? मतलब बोला दस परसेंट और लिया ट्वेंटी फाइव तो मैंने आपको दो स्टेप बताइए भी तो केवल सोचो मैं एक दो स्टेप और जोड़ देता अगर तो, ये तो भाई मजा ले लेते अपने तो ये लोग समझे मेरी बात इसलिए ये तो गलत हो रहा है सर तो गवर्नमेंट के सामने हमने रिक्वायरमेंट रखी भाई साहब ये गलत कर रहे हो हमारे साथ तो गवर्नमेंट पूछा हमने क्या गलत किया है इसमें प्लास्टिक पर रेट टेन परसेंट है टेन परसेंट लगाया मार्कर पर रेट टेन परसेंट है टेन परसेंट लगाया कहां गलत किया तो हमने उनको पूरा ब्रेकअप करके बताया ये लो सर क्या करके बताया बेटा रोना नहीं बेटा नाम से ना बेटा सर ये ट्वेंटी आखिर कैसे आया टेन प्लस फिफ्टीन अच्छा टेन कैसा है बेटा टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड क्या था बेटा प्लास्टिक मतलब इनपुट समझ लिफ्टीन कैसा है बेटा वन फिफ्टी क्या था बेटा ये मार्कर्स अच्छा वन फिफ्टी का ब्रेकअप करते फर्दर अपन वन फिफ्टी कैसा है बेटा 100 प्लस 10 प्लस 40 100 क्या था बेटा प्लास्टिक कॉस्ट किसकी प्लास्टिक थी बेटा 10 क्या था बेटा ड्यूटी 40 क्या था बेटा वैल्यू एडिशन अच्छा 150 पे 10 परसेंट लगा इट मींस पे भी 10 परसेंट पे भी 10 परसेंट पे भी 10 परसेंट 10 1 और, और

ये क्या बेटा प्लास्टिक एक मिनट ये क्या था बच्चा ये क्या है बेटा गजब हो रहा है हद कर दिया आपने क्लियर तो मतलब जिस प्लास्टिक पे हमने टैक्स पे कर दिया था उस प्लास्टिक पे वापस टैक्स हा है ना दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन पर सर बच्चों ये तो क्या दो स्टेप ही मैंने बताया आपको इसलिए आप डबल बोल रहे हो बेटा तीन स्टेप होती तो फोर होती तो इसलिए इसको डबल की जगह बोलने का मल्टीपल टैक्सेशन क्या बोलने का बेटा इसको मल्टीपल इंक्लूड्स डबल वर्ड सुना यार सो बेटर वर्ड इज मल्टीपल टैक्सेशन तो सर हमने गवर्नमेंट को बोला भाई साहब मजे ले रहे हो हमारे नहीं चलेगा नहीं चलेगा और सर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन रुको रुको जल्दी में मल्टीपल टैक्सेशन मतलब अच्छा ओके okay, अभी ठीक है सर मल्टीपल टेक्सेशन सेम टेक्स ऑन सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन यहां तक क्लियर बच्चों पक्का अच्छे से दिख रहा है बेटा आपको ओके गुड गुड यस अच्छा आ, एक पॉइंट है सर इनको लिखना है क्या हाँ लिखना है पर अभी नहीं रुको आप दो तरह से कर सकते हो काम <coughs> जो मैं यहाँ लिखता हूँ वी हैव टू ऑप्शन या तो आप मेरे साथ लिखते जाओ बच्चों ठीक है सेकेंड ऑप्शन ये है कि लेक्चर जब खत्म होगा ना अपना लेक्चर hmm. जब खत्म होगा अपना तब आफ्टर लेक्चर एक मिनट का टाइम मिलूँगा आपसे जब मैं ये स्लाइड्स रोटेट कर दूंगा आपके लिए यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड्स और जब ब्रेक होता है या जब घर पे जब रिवीजन करेंगे ना बेटा तब उसको नोटबुक में लिख दीजिए बेटा ठीक है मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन इज़ बेटर कारण क्या है अभी जो आप डिस्कस करते करते तो बात कर रहे हो ना मेरे से बेटा तो वो क्या बहुत इफेक्टिव पड़ेगा यार वरना आधा ध्यान लिखने में रहेगा मैं आगे चल रहा हूं आप पीछे चलेंगे बेटा है ना पर फिर भी अगर आपकी लिखने की आदत है तो आप साथ, -साथ लिखते जाइए वो कोई तकलीफ नहीं मेरे को बेटा बट मेरा पॉइंट क्या है आपका हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए बच्चा ठीक है क्योंकि मेरा टारगेट क्या है हर एक पॉइंट दिल में उतारना है आपका ठीक है पूरा ध्यान इधर रहा मजा आ जाएगा सर आपको ओके 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 बच्चों ठीक सर तो सर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन अब सर वो सो रुपये पे, पे टैक्स जो लग रहा था वापस उसी सो पे टैक्स लग रहा था दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना जी ने क्या कर दिया बेटा स्ट्राइक कर दी बेटा कैंडल मार्च करी हम सब ने बेटा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूखे रहो हम मस्त रहे हम तुम्हारे साथ है अब सब जैसे ही मल्टीपल टैक्सेशन पकड़ में आया हम सब जोश में आगे गवर्नमेंट बोला ठीक है, ठीक है सर आगे बढ़े ये क्या है एक मिनट क्या है बेटा ये एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी भी क्या लग रहा है बेटा अरे भाई गुड्स पे एक्साइज लेना है या टैक्स पे टैक्स लेना है अरे हाँ है ना एक्साइज पे एक्साइज कर रहे हो कर रहे हो आप लोग दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट सॉरी दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या बेटा ये हम जोश में ये भी नहीं चलेगा अरे क्या नहीं चलेगा भाई ये वैल्यू का पार्ट है ना बेटा कैश पे पहले टैक्स कभी लगाए और वैल्यू पे टैक्स लगाना ना बच्चों हाँ तो इस पे टैक्स लग जाएगा हमें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब नेक्स्ट स्टेज में टैक्स लगना चाहिए पर केवल किस पे लगना चाहिए बेटा केवल किस पे लगना पे लगना लगना चाहिए चाहिए बेटा वैल्यू एडिशन मतलब आप देखिए यहाँ प्लास्टिक पे टैक्स लग गया उसके बाद जो टैक्स लगना चाहिए, चाहिए क्लियर मतलब सर ध्यान देना जैसे कोई गुड्स आपने बनाया वो किसी के लिए इनपुट है वो फर्दर गुड्स बना रहा है तो उस पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगाना किस पे लगाना बेटा वैल्यू yeah. एडिशन पे टैक्स वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स

पक्का ना बेटा पक्का ठीक सर मेरी लैंग्वेज समझ मार बेटा आपको मैं तो बोल रहा हूँ समझ मारा बेटा आपको मतलब नॉर्मल लोग बेटा ओके okay. सर सुनना बात करते मतलब ये हो गया इसका सिंपल सा कि इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सम गुड्स इफ आई एम अ मैनुफेक्चर ऑफ सम गुड्स मैंने इनपुट परचेज किया हंड्रेड में उस पर एक्साइज ड्यूटी पे किया कितना बेटा टेन टोटल हंड्रेड टेन क्लियर मेरी कॉस्ट कितनी हंड्रेड एंड टेन मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना मालिक टोटल कितना हो गया बेटा वन फिफ्टी अब जो एक्साइज ड्यूटी लगेगा वो टेन परसेंट लगेगा पर ये जो आउटपुट गुड्स बनाए वन फिफ्टी इस पे नहीं किस पे ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन कितना होता है बेटा यहाँ पे फोर टोटल 154 अब मुझे बताओ गुड्स की वैल्यू कितनी है 154 विदाउट टैक्स वैल्यू कितनी है 140 उस पर 10% एक्सेस कितना होता है 14 क्या उतना ही गया है क्या ज्यादा गया है क्या कम गया है परफेक्ट है ना बेटा क्लियर तो सर दिस इज द कॉल्ड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ सेनवेट क्या बेटा फंडा ये सेनवेट का क्लियर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ओके मजा आया सही लग रहा है मल्टीपल टैक्स हट गया कैश गया कैंडल मार्च खत्म हा है ना भाई क्लियर ओके ठीक है बहुत अच्छी बात है बेटा देखते है। चलो एक एक क्वेश्चन है मान लो गुड धीरे धीरे आ रही है बेटा है ना कनेक्टिविटी बढ़ रही है धीरे धीरे इतनी ही रखना बेटा ज्यादा नहीं बेटा सर मोबाइल मान लो आपने परचेज किया कितने के का बेटा फिफ्टीन थाउजेंड का डेढ़ लाख का मोबाइल भी आता है क्या बेटा okay, मुझे नहीं पता था बेटा सर मान लो मोबाइल अपने चोरी किए बेटा सर रेलवे स्टेशन वगैरह पे सर मोबाइल कितने का बेटा फिफ्टीन थाउजेंड का उस पर टैक्स कितना बेटा 10% सपोज सपोज 10% सर अभी 18 कौन कैलकुलेट करेगा रे सपोज कितना बेटा 10 कितना होता है बेटा हाँ, मुंह से निकलना है ये कहां से आया अच्छा ऐसा भी होता है ये 10% कौन सी मैथ्स में होता है है ना तो भाई साहब इधर क्या हो रहा था ये नहीं नहीं अभी एक अभी तो आप ऑर्डर से बहुत अच्छा हुआ सर

हाँ है ना भाई आपको लगे होता है 1500 हंड्रेड लगाया फोर हंड्रेड चलो भाई फटाफट ये नो क्या ऐसा बिल कभी देखा आपने बेटा तो कुछ तो मिसिंग है यार कुछ तो मिसिंग है तो सैनविट सही है पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा यार ये तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने क्या बोला हमको गवर्नमेंट ने बोला कि मालिक आपको टैक्स तो पूरी सेल प्राइस पे लगाना है क्योंकि जो कस्टमर से आप टैक्स जो सेल कर रहे हो जो गुड्स बेच रहे हो उसको आप वो जितने में बेचा है आपने उसका जो टैक्स होता है वो पूरा बिल पे लिखना पड़ेगा आपको कस्टमर से जो टैक्स लेना है वो पूरा उसके बिल पे लिखो आप अगर आपने मेरे इस एग्जाम्पल में पूरा फोर्टीन अगर टैक्स कस्टमर से लिया है तो फोर्टीन टैक्स लिखना पड़ेगा आपको बिल पे हा है ना तो सर हमने बोला अगर पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा दिया तो वापस लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे यहाँ पे सर तो गवर्नमेंट बोला अरे भाई पूरी बात तो सुन हमने बोला बात तो सुना, तो सुना। गवर्नमेंट ने बोला कि यार चिंता मत कर मंगल बिल्कुल मंगल नहीं करता मैं चिंता जब ये लोग मेरे साथ किस बात की चिंता तो सर मैंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई साहब अब क्या करने का हम पूरी सेल प्राइस पर टैक्स लगा देंगे मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैश के इफेक्ट हो जाएगा क्या करने का बोला नहीं 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 पूरी सेल प्राइस पर टैक्स तो लगाओ पर पहले जो टैक्स पे कर दिया था आपने उसका आपको हम क्रेडिट दे देंगे सिंस फंडामेंटल सैनवेट का था इसलिए इसको बोलते क्या सैनवेट क्रेडिट अब आया फंडा किसका सैनवेट क्रेडिट कार्ड दिल थाम के सुनेगा अच्छा ये मत समझना कि ये तो क्या काम का अब तो गया सैनवर्ड क्रेडिट वगैरह अब तो जीएसटी तो आ गया और यही उठ के जीएसटी में आएगा ध्यान रखना बच्चा ओके okay? आत्मा वही है शरीर चेंज हुआ है बच्चों सर सुना ध्यान से हाँ मंजुलिका ध्यान दे बेटा सर बच्चों समझ में तो आ रहा है पक्का बेटा गुड गुड देखो अल्टीमेट एम क्या है बच्चों देखो मेरे को कितना आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको कितना आ गया उससे फ़र्क पड़ता है समझे मेरी बात सो so, अल्टीमेट में यहाँ पे ये दिखाना नहीं है कि मेरे को कितना आता है मेरे पास दस डिग्री है मेरे पास ये है मैंने इतनी बुक्स बना दी है इतने बच्चों के रेंक आते हैं ये आते उससे क्या करना आपको यार आपको समझ आना चाहिए समझे मेरी बात सो अल्टीमेट एम क्या है इन लेक्चर्स का आपके एंड पे आना बेटा ओके आई होप समझ में आ रहा है बच्चों आपको गुड सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर अब सर मैंने वही प्लास्टिक परचेज किया हमारे मिहिर भाई से सर इनपुट जो मैंने परचेज किया कितने में परचेज किया बेटा 100 में उस पर एक्साइज ड्यूटी पे किया कितना 10 परसेंट कितना होता है बेटा 10 टोटल हंड्रेड एंड टेन सर ये परचेज इन्वेस्ट था मेरे पास अब गवर्नमेंट क्या बोलती है जब मंगल तू वो बेचेगा पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाना है पर चिंता मत कर जो परचेज पे टैक्स पे उसको तेरे को क्रेडिट बेनिफिट इज कॉल्ड करंट असेट अरे हा है ना भाई तो मेरे लिए दस रुपए से मैंने एक्साइज पे किए है, क्या है मेरे लिए करंट असेट है दिस इज इस कॉल्ड इसको मैं बोलता हूं क्रेडिट अवेल करना सेनवेट लेना मैंने सेंड वर्ड अवेल कर ली कितने की 10 की आउट ऑफ 110 10 का मैंने सेंड वर्ड क्रेडिट अवेल कर लिया इसका बेनिफिट मेरे को बाद में मिलेगा तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी होगी बच्चे 100 मैंने वैल्यूएशन के कितना बेटा वही 40 टोटल कितना होंगे बेटा 140 ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया इस पे क्या लगेगा एक्सरसाइज 10% पूरी वैल्यू पे एक्सरसाइज लगेगा भाई 150

मेहिर भाई को परचेज ऑफ गुड्स पर क्लियर वो एक तरह से मेरा क्या था एडवांस टैक्स था हाँ है ना भाई क्लियर अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स उसको एडवांस टैक्स बोलने का नहीं बेटा कभी भी ठीक है सर उसको बोलते हैं क्या सेनवर्ड क्रेडिट जो मैंने लिया था अब उस सेनवर्ड क्रेडिट को मैं यूज कर रहा हूं मेरा मैंने गवर्नमेंट को बोला रिटर्न फाइल करते वक्त कि भाई साहब मेरे सेल्फ लायबिलिटी 14 की इतना मैंने दस का टैक्स पे किया था परचेस ऑफ गुड्स पर इतना मैंने क्रेडिट लिया है ये कितना उसकी पॉकेट से जाना कितना चाहिए था बिल पे दिखाया कितना क्या पूरा दिखाया परफेक्ट हुआ ट्रांसपेरेंट हुआ कोई एक्सेस टैक्स लगा कोई कम टैक्स लगा गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स गया गवर्नमेंट को कम टैक्स गया परफेक्ट हो रहा है मामला दिस इज कॉल्ड सेंड मेट क्रेडिट हा ना मालिक क्लियर पक्का बच्चों इसलिए आपने जो मोबाइल परचेज किया होगा उसमें जो बिल देखा होगा वो ऐसा देखा होगा बेटा कि मोबाइल परचेज किया कितने का फोर्टीन थाउजेंड का उस पर जो भी टैक्स है बेटा अभी तो जीएसटी देखते होंगे ना इसमें टैक्स लगा जाने उसके सपोज टेन अगर है तो वो फोर्टीन एंड फिफ्टीन हंड्रेड टोटल बिल बन गया बेटा हाँ है ना भाई क्लियर और वो आपसे फोर्टी हंड्रेड पूरा टैक्स लेता होगा और गवर्नमेंट को पे करते वक्त थाउजेंड अगर उसके पास क्रेडिट थी तो थाउजेंड का क्रेडिट यूज किया बैलेंस फोर हंड्रेड को पे करता होगा दिस इज हाउ इट इज डन और रिटर्न जब फाइल करता बेटा रिटर्न आपने देखा होगा इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना होता है ऐसे ही जीएसटी में भी होता है बेटा तो उस रिटर्न के अंदर हम दिखा देते हैं क्या दिखाते भाई कि मैंने इतने का गुड्स बेचा इतने में बेचा इतनी क्वांटिटी बेची टोटल सेल इतने का हुआ मंथली रिटर्न फाइल करना होता है इस महीने में इतना सेल हुआ उस पर रेट ऑफ टैक्स इतना था इतना अमाउंट लाइबिलिटी का बनता है जो मैंने कस्टमर से लिया इतना टैक्स सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का डन दिस इज कॉल्ड क्रेडिट आई होप सम बात आपको पक्का तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ लू क्या मैं आपसे बेटा पक्का ये दस का क्रेडिट क्यों मिला ऑलरेडी परचेस पे टैक्स पे किया है इसलिए टैक्स पे टैक्स का क्रेडिट दिया बेटा है ना गुड चलिए अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों आप और मैं यहां डिस्कस करके पढ़ेंगे और मैंने आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपने जो आंसर दिया है ये मान चलना गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है सही है तो बहुत अच्छी बात है और गलत है उससे भी अच्छी बात है बेटा क्यों क्योंकि सर जो गलत हो रहा था आपसे वो यहां सही हो गया बेटा हम यहां पे आए किसके लिए समझे मेरी बात कभी भी आंसर गलत हो तो डीमोटिवेट नहीं होने का ये नहीं सोचने का। गलत ऐसा नहीं ऐसा नहीं ये वापस करने से ये तो गलत है ये ऐसे नहीं ऐसे कौन करता है ऐसे वो सही था वो नेचुरल था बेटा सर सुना <coughs> तो तो आंसर का गलत हो तो पता टाइम क्या सोचने का यस पैसा वसूल मजा आ गया जो गलत रहा था वो सही कर दिया इसने समझे मेरी बात इससे क्या होगा पॉजिटिव वाइब्स बनेगी आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स नहीं आएगी किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे बेटा होता ना कई बार अपना डर लगता है यार अपना आंसर गलत हो गया तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे लोग हंसेंगे वो थोड़ी खत्म हो जाएगी सर हम यहाँ बैठे किसके लिए पढ़ने के लिए बैठे ना यार सीखने के लिए बैठे हम लोग ठीक है सो आंसर अगर गलत हो तो कभी भी ऐसा डीमोटिवेटेड फील नहीं करने का आपको सुनना यस सर मज़ा आ गया जो गलत था या गलत हो रहा था वो मैंने सही कर दिया समझे मेरी बात चलिए सर तो सर आप बात करते रहिए आंसर गलत होगा मैं सही कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अब मेरा पॉइंट आपसे ये है आपने भी बोला कि परचेस टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है सर ठीक है सर सपोज आप भी एक मैन्युफैक्चरर सर क्या नाम अब्दुल अब्दुल भाई भी मैन्युफैक्चरर क्या बनाते बेटा चिक्की बनाता है चिक्की बनाता है क्या बात है बेटा हाँ बेटा वो आप खाते हो वो वाली बात नहीं कर रहे बेटा ये क्या वाउबियर्स भाई वाह बियर्स की मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे सकता बेटा क्योंकि बियर पे जीएसटी नहीं है बेटा पता होगा ना आपको तो खेर नहीं। हाँ नहीं है सर ऐसे नहीं है बेटा सर पीने के बाद दिखता ही नहीं बिल पे भी क्या लगाया नहीं। <laughs> नहीं है भी क्या लगाया। <laughs> <laughs> आओ बच्चों कोई बात नहीं सर तो सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन और पेन क्या बेटा एग्जाम है पेन पे कोई एक्साइज नहीं है सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पेन बेटा ओके okay. आपने अगेन वही प्लास्टिक परचेज किया इनपुट परचेज किया बेटा आपने कितने का हंड्रेड का अच्छा पेन पे एक साइज है बेटा प्लास्टिक पे थोड़ा एग्जाम है यार वही टेन परसेंट कितना तो होता है टेन हंड्रेड एंड टेन अब सपोज आप इन इनपुट को यूज करके ऐसे आउटपुट बना रहे हो जिसपे एक्साइज एग्जेम एक नहीं लगता है अल्टीमेटली टैक्स पे नहीं करना तो परचेज भी जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट देने से भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया मान लो तो आपकी कॉस्ट हो गई कितनी बेटा हंड्रेड आपने वैल्यू एडिशन किया कितना बेटा 40 टोटल हो गया कितना 140 ये बन गया आपका आउटपुट गुड्स उस पर कितनी बेटा एग्जाम तो जीरो बेटा अल्टीमेटली 150 में आपने बेच दिया गुड्स को यस से नो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है क्या बताओ कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है क्या अगर यहां पे गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया तो गलत किया क्या क्योंकि क्रेडिट क्यों दिया था बेटा मल्टी डबल नहीं बोलने का मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट को इरेडिकेट करने के लिए हटाने के लिए बच्चों हाँ है ना भाई क्लियर अब आप मुझे बताओ यहाँ क्रेडिट नहीं दिया तो सही क्या किया गलत किया बेटा नहीं तो आप तो बोल रहे थे ना परचेस टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है परचेस टैक्स एक्सपे तो यहाँ भी पे किया था बेटा अब सर परचेज पर टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है, पर कभी कभी नहीं मिलता है ऐसा अच्छा आपने भी तो सर इतनी सारी शॉपिंग करी है बेटा आज तक आपने भी परचेस टैक्स पे किया होगा बेटा क्या आपने कभी क्रेडिट लिया क्यों नहीं लिया नहीं तो आपको तो पूरे परचेज पे टेक्सपेक्ट किया इसलिए क्रेडिट मिलता है इसलिए वो आंसर आपका फास्टली सही, है, सही नहीं, नहीं है।, आपका आंसर इस है मेरे को आप क्योंकि मैं बोलता हूँ एक काम करता हूँ मैं बोलता हूँ आपकी सारी बातें इसमें कवर हो जाएगी बच्चों ओके फिर हम सब एक साथ रिवाइज करेंगे इसको दस का क्रेडिट क्यों मिला बच्चों क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे वन फोर्टी लग रहा है इंक्लूड हंड्रेड अच्छा आप हाँ नहीं बोल सकते हूं भी चलेगा मेरे को बेटा आप वाला ओके, 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 चले चलिए चलिए दस सगरेट क्यों मिला सुनना दिस इज द फंडामेंटल जिसके पे पूरा जीएसटी पढ़ा दूर ये वो फंडामेंटल है जो मैंने फोर्टीन ईयर्स पहले बनाया था सर ये कॉन्सेप्ट सेम फिगर सेम एग्जाम्पल और आज तक जीएसटी समझ मारा लोगों को ठीक है सर्विस टैक्स था एक्साइज था वेट था या जीएसटी हो यही चलेगा और एक ही नाम चलेगा क्या दस का क्रेडिट क्यों मिला ठीक है, बच्चों। सर चलिए अब मेरा पॉइंट आपसे ये, है दस का क्रेडिट क्यों मिला तो सर टैक्स जो लग रहा हो पूरे वन पे लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड ऑन विच ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा क्रेडिट नहीं दिया तो कैशकटिंग इफेक्ट भी हो जाएगा बच्चों भाई इसमें सारी बातें आ गई बेटा अगर आपके 140 फोर्टी पे टैक्स लग नहीं रहा तो क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चा अगर आपके 140 है ही नहीं मतलब आपका आउटपुट सप्लाई है ही नहीं बेटा जैसे आप लोग एंड कंज्यूमर कर बच्चों है हाँ ना अगर सप्लाई है है ही नहीं नो पॉइंट ऑफ एनी चलिए बात करता हूं दस का क्यों मिला क्योंकि टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कैडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला हाँ ना भाई तो सर एक बार आप बोलेंगे बेटा चलिए वन टू थ्री का क्रेडिट क्यू मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा हो पूरे 140 फोर्टी पे लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड ऑन विच ऑलरेडी पेड द और वापस से पूरे 140 फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्स एंड का क्रेडिट मिला हा है ना भाई क्लियर आंखें बंद आंखें बंद अब इसको फील करना है सर आंखें बंद और हाँ वीडियो क्लास में जो आपको मैं देख रहा हूं आपकी बंद होनी चाहिए सर ओके दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो तो लग रहा है वो पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड ऑन विच ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट द क्रेडिट मिला ओम शांति 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 धीरे धीरे हाथ खोली बेटा एक अबे वो सो गया क्या वो सर ओके यहां तक बात समझे मेरी आप अरे पक्का बच्चों 100% अरे क्लियर <laughs> <सेर। laughs> ओके okay, चलिए सरकार तो मान लो यहां तक समझ में आया क्या बच्चों चलिए मान लो आई मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स अच्छा एक चीज हो अगर आपके आउटपुट सप्लाई एग्जेट है मतलब टैक्स पे नहीं करना है बच्चा तो क्या आपको कोई सैनविट क्रेट मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए क्या क्यों नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा क्या नहीं इफेक्ट नहीं हो रहा किस बात का बेटा हा है ना भाई मतलब पता है अब आपको जीवन में कभी ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट सप्लाई एग्जिम तो क्रेडिट नहीं मिलता है एक तो दुनिया ने याद किया हुआ है सब पूछना आप अरे क्लियर आपको अभी से समझ में आ गया क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया मिलता क्यों है क्रेडिट बेटा समझे आपको क्या है अगर इतना पढ़ लिया केवल आपने तो जिंदगी भर याद करना पड़ेगा उसको आपने क्यों है अगर ये समझ लिया तो आपने आप चीजें सोल्व होगी बेटा ओके याद नहीं करना पड़ेगा कितना याद करेंगे यार ओके चलिए सर ओके मान लो अ मैन्युफैक्चरर बेटा अब मैंने गुड्स बनाया गुड्स बनाने के लिए मैंने इनपुट परचेज की है मैंने कुछ सर्विसेज भी तो ली होगी यार आपसे कंसल्टेंट सर्विस ली आपसे मार्केटिंग कराया है आपसे एडवर्टीजमेंट कराया है बिजनेस मेरा बंद हो गया बेटा सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर आपसे तो मैंने सर्विसेज लिए उस पर आपने क्या लगाया होगा बच्चों सर्विस टैक्स अरे क्या लगा हुआ मालिक सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स वाज़ आल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली हा ना सर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं बेटा आवाज कैसे ही वाली सर <laughs> सुनना बात ध्यान से सर वी <clears throat> सुनना मालिक सर्विस टैक्स वॉज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज वॉज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए गवर्नमेंट ने बताया क्या किया आपने परचेज पे सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो दोनों को क्या मिलता है बेटा सेनवेट क्रेडिट मिलता है कैसे मिलता है समझना बात को ध्यान से मैंने सपोज इनपुट परचेज किया या मैंने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया जैसे मशीन परचेज करी बच्चों या मैंने कोई सर्विसेज परचेज करी इनपुट सर्विस मैं सर्विस परचेज करी मतलब इनपुट सर्विस बेटा एक काम करता हूँ मैं कहीं पे लिख देता हूँ आपको ध्यान रहेगा आगे भी आई इन मतलब आई एन एस मतलब जी मतलब ओपीएस मतलब आउटपुट सर्विस ओपीजी मतलब आउटपुट ओके okay. इसका भी लिखोगे बेटा ना ये होमवर्क बेटा घर पे लिखे आना बेटा वैल्यू एडिशन ओके बच्चों चलो ओके okay, मालिक सुनना ध्यान से मैंने हंड्रेड में मान लो इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेस किया जो इनपुट और कैपिटल गुड्स परचेज उन पे मैंने एक्साइज पे किया हम्म mm -hmm. क्या पे किया मैंने एक्साइज ड्यूटी अच्छा सर्विसेज पे क्या पे किया होगा मैंने सर्विस टैक्स कितना सपोज टेन मान लो गुड कितना हो गया टोटल बेटा

कोचिंग सर्विसेज मैंने आईपेड परचेज किया मैंने इनपुट्स परचेज किए मैंने कंसल्टेंसी ली मार्केटिंग सर्विसेज ली बच्चों क्लियर सब मिला के मैंने इन सब पे एक्साइज या सर्विस टैक्स पे किया अल्टीमेटली मैंने वन फोर्टी का आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विसेज बनाई उस पर क्या लग जाएगा बेटा गुड्स तो एक्साइज लग जाएगा सर्विसेज होगी तो सर्विस टैक्स लग जाएगा सपोज टेन परसेंट था इसमें से, मैंने 154 लिया, इस से 14 क्या है है अब जब मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा कैसे पे करूंगा बेटा ये जो मैंने क्रेडिट अवेल किया था यह सेंट्रल क्रेडिट मैंने क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिया और सर बैलेंस फोर मैंने क्या कर दिया बेटा पे कर दिया भारत माता की जय मतलब सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो ट्रीटमेंट सेम क्योंकि बोथ आर द रेवेन्यू ऑफ नहीं नहीं गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर यहां तक बात समझ में आया क्या बेटा आपको गुड चलिए सरकार मान लो गुड अब सर मैंने गुड्स बेची भी तो होगी बेचने में क्या लगता है अरे सेल्स टैक्स वेट वेट इज द रेवेन्यू नहीं सब सेंट्रल लेगा तो स्टेट क्या करेगा <laughs> अल्लाह के नाम पे है ना <laughs> सर वेट वॉज द रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट हाँ है ना मालिक <laughs> क्लियर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सुना बात के ध्यान से बच्चों क्या वेट का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी क्या यार? समझना ध्यान से गुड लॉजिक इज परफेक्ट पर फिर भी समझना यहां तक तो क्लियर है बेटा आपको इस एग्जाम्पल से मैंने क्लियर कर दिया आपको क्या एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता ओके बच्चों ठीक गुड आ रहा हूं कोई होन बजा रहा ना पीछे से बेटा सर सुनना जा, जा जा किसका सर बस का होना और बेटा आवाज तो बस ऐसी आ रही थी बेटा बाकी तुम कुछ भी सोच लो बेटा कितने गंदे बच्चे हो तुम लोग यार सर ने बिगाड़ा है ना बेटा आप बोलो एक बार एग्जाम्पल दो बेटा मैं अभिषेक सर को बोलूंगा बेटा है ना हाँ हाँ ना अब वहां बोलूंगा पूछ रहे थे मेरे को किसका होने दबाया है ना आ जाए पढ़ ध्यान से आइए मालिक प्लस वेट आओ बच्चों सरकार अब आई एम अ मैन्युफैक्चरर सुनना बात को ध्यान से दिस इज द लास्ट पॉइंट जो प्रैक्टिकली होता था पहले बेटा सर वेट प्लस वेट समझिएगा बात को फंडामेंटल फंडामेंटलुटली सेम आपको खुद को मजा आएगा सर मैंने मान लो इनपुट परचेज किए कैपिटल गुड्स परचेज किया या इनपुट सर्विस परचेज किया सपोज कितने का बेटा हंड्रेड में है। उस पर मैंने क्या पे किया बेटा एक्साइज ड्यूटी पे किया या सर्विस टैक्स पे किया कितना बेटा सपोज टेन परसेंट था टेन रुपए वैसे रेट ऑफ एक्साइज सर्विस टैक्स अलग अलग गुड्स पे अलग अलग सर्विस पे अलग अलग था बेटा पर अपने कंसर्न में एक्जाम्पल समझा रहा हूँ बेटा कॉन्सेप्ट केवल कितना हो गया मालिक हंड्रेड टेन क्लियर अब सर जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे उसने बेचे थे बेटा तो मेहर भाई ने जब वो गुड्स बेचा होगा तो उसने बेचने पे वेट लगाया होगा बेटा क्लियर तो सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इसने वेट लगाया सर सपोज फोर परसेंट इज द रेट ऑफ वेट कितना जीरो टोटल होता है वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो बिल बना के मेरे को दिया इसने बेटा कितने का बेटा 114.40 का क्लियर अच्छा एक बात और ध्यान रखना पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होगा या बिकेगा इसलिए पहले एक्साइज लगता है और उसके बाद क्या लगता है बेटा और एक्साइज के अमाउंट पे भी वेट लगता था बेटा आप देखो मैंने वेट कितने में लगाया बच्चों 110 क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल उसकी कॉस्ट 110 हो गई थी बेटा क्योंकि वो सेलेबल कब हुआ जब एक्साइज लग गया था उस पर बेटा इसलिए लॉजिक वॉज दैट कि एट द टाइम ऑफ सेल पॉइंट वैल्यू एंड टेन ऑन विच वेट शुड बी चार्ज और था वेट नहीं लगता है बेटा। क्योंकि सर्विसेज पे वेट नहीं लगता था केवल सर्विस टैक्स ही था बेटा ठीक है मान लो मैंने इनपुट परचेज किया बेटा ओके मालिक ठीक सर अब सर अगेन इनको यूज करके मैं आउटपुट गुड्स बनाने वाला हूँ आउटपुट गुड्स बना पे बनाऊंगा तो उस पर एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा तो जो मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया उसका मेरे क्या मिल जाएगा बोलो कितने का टेन का सेम वे सेल पे वेट लगने वाला है इसलिए मैंने परचेज पे वेट जो पे किया उसका मैंने क्या ले लिया बेटा वेट क्रेडिट अवेल्ड कितने का बेटा तो बताओ मेरे को मेरी कॉस्ट कितनी होगी बेटा अरे आउट ऑफ हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट

क्या लग गया बेटा एक्साइज कितना सर क्या लगेगा .16, .16. ये बन गया अपना बिल हाँ है ना क्लियर ये मैंने कस्टमर से वन सिक्स वन सिक्स टैक्स लिया सॉरी टोटल अमाउंट लिया उसमें से जब मैं फोर्टीन पे करने जाऊंगा किसको पे करूंगा बेटा फोर्टीन अरे फोर्टीन किसको पे करूंगा गला केल मेरा खराब नहीं होना चाहिए ठीक है ना सर ठीक है आ, 14 किसको पे करूंगा कैसे पे करूंगा ठीक है सिक्स पॉइंट वन सिक्स किसको पे करूंगा किसको पे करूंगा मान लो हम महाराष्ट्र में थे तो कौन सी स्टेट को पे करूंगा महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा 6.16 कैसे पे करूंगा 4.4 का वेट क्रेडिट यूज्ड बैलेंस 1.76 पे है हाँ ना भाई? यस या नो मान लो मेरे पास सेंडविड क्रेडिट एक्स्ट्रा होता और वेट का क्रेडिट कम होता तो क्या मैं सेंडविड क्रेडिट वेट में काम ले सकता हूँ क्या बेटा आप समझे मैं क्या बोल सक रहा हूं सपोज मेरा पूछने का मतलब ये है वैसे आप समझ गए पर फिर भी ये टेन नहीं होता ये मान लो होता मेरे पास फिफ्टीन और एक्सरसाइज का लाइबिलिटी फोर्टीन का बेटा तो फोर्टीन का क्रेडिट कम आ जाता वन का क्रेडिट बच जाता बच्चा क्या वो वन वेट में कमा सकता था क्या है पक्का क्यों नहीं जब पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को वाई दी स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउ यू द क्रेडिट बेटा सेम वाइस अवर्स अगर होता कि वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा होता क्या वो सेनवेट में काम आ सकता है क्या बच्चों क्योंकि पे किया किसको स्टेट गवर्नमेंट को किसको पे सर्विस सर्विस टैक्स किसको पे किया सेंट्रल को क्लियर एक्साइज किसको पे किया था इसलिए एक्साइज हो या सर्विस टैक्स दोनों को, को क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था बेटा क्योंकि परिवार एक ही था बेटा हाँ ना मलिक क्लियर पर वेट स्टेट गवर्नमेंट को पे होता था इसलिए आपस में काम नहीं आते शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों क्लियर तो बताइए मेरा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लू क्या बच्चे बताओ ये दसा क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स तो लग रहा है पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है जल्दी बोलो हाँ नहीं पूरा आंसर बोलो 140, लग रहा, text, 140 लग रहा है राइविज इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू ओवर दी मल्टीपल टैक्स एंड कैश कैटिंग इफेक्ट दस क्रेडिट मिला हाँ है ना भाई एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था बेटा मेरा क्वेश्चन था ये फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला बेटा सेम एज अब ना बेटा एग्जाम में भी लिखे ना सेम आंसर एज द स्टूडेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ मी है ना जल्दी बताओ फोर पॉइंट फोर का वेट रेट क्यों मिला क्योंकि टैक्स और वापस से वन फिफ्टी फोर इंक्लूडिंग हंड्रेड एंड टेन पे वेट लग रहा है सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैश कैन इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला है हा है ना मतलब कॉन्सेप्ट देखा एब्सोल्युटली सेम है ना भाई पक्का 100 परसेंट क्या वेट सेंडवेट में काम आएगा क्या सेंडविट वेट में काम आएगा पक्का नहीं 100 परसेंट पक्का तो यही तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हुआ है और क्या हुआ है हा है ना जीएसटी में यही तो हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो हो गए सी जी जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स थे वो क्या हो गए एस जी क्या दोनों क्रेडिट आपस में काम आएगा क्या बेटा सिंपल समझे मेरी बात ओके गुड गुड ओके तो ये पढ़ाई जो हम कर रहे हैं वेस्ट नहीं जाने वाली बेटा आपकी ठीक है ना ये इन्वेस्ट हो रहा है और इतना भारी इन्वेस्ट हो रहा है मजा आएगा सर आपको बाद में ओके okay, यहाँ तक बात समझ गई क्या बहुत अच्छा बेटा तो सेनवेट प्लस वेट का सिस्टम समझ में आ गया आपको ठीक है तो सर मतलब जब जीएसटी नहीं था जब जीएसटी दोनों गिलास बोतल खुलेगी बेटा सर सुना बात को ध्यान से सर मान लो जब एक्साइज था वेट था सर्विस टैक्स था सर्विस टैक्स का भी सर्टिफिकेट मिल रहा था एक्साइज का भी सर्टिफिकेट मिलता था वेट का भी क्रेडिट मिलता था तकलीफ क्या आती यार जो जीएसटी लाए बात वो कर आखिर जीएसटी क्यों तो वोट ऑफ द लकुना क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा क्या डिफिकल्टी थी आखिर यार चलो एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं आपके सामने मान लो बहुत अच्छा बेटा यार परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है क्या कंफर्म ना क्रेडिट क्यों मिलता है आपको समझ में आ गया बच्चा ठीक है मेरे को एक बताइए और ये जिस तरह से मोमेंट बना हुआ है बातों का चलते रहना बेटा बस मजा आ जाएगा सर आप सिंपल सा मुझे बताइए कि दस का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आ गया बच्चा आपको फोर पॉइंट फोर का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आ गया बच्चा आपको समझ में आ गया कि आपस में काम नहीं आएंगे अच्छा मुझे बताओ दस का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो क्या कंपलसरी का भी क्रेडिट मिलेगा बेटा मेरी सेल पे वेट लगेगा तो 4 .4 का वेट वेट मिलेगा मेरी सेल पे वे... वेट नहीं लगेगा तो फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा मेरी कॉस्ट मेड हो जाएगा बच्चा हाँ है ना सर अच्छा मेरी सेल पर सर्विस टेक्स सर। एक्साइज लगेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा बहुत बेटा, बेटा, अलग अलग है, है, पक्का बच्चों अच्छा चलिए मान लो मैंने बनाया बेटा, बनाने के लिए मैंने इनपुट वगैरह परचेस किया उस पर कुछ सर्विसेज ली उसमें मैंने सर्विस टैक्स पे किया मेरी सेल पर एक्सरसाइज लग रहा है गुड्स बनाया ना भाई मेरे सेल पर एक्सरसाइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है इसलिए एक्सरसाइज का भी मेरे को क्रेडिट मिलता है सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिलता है और वेट का भी क्रेडिट मिलता है बेटा हां ना सर कोई तकलीफ चलिए मान लो एक सेक्टर बिना बात की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान लो आई एम अ सर्विस सप्लायर सर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं सर्विस टैक्स? है ना भाई, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ इनपुट परचेज किए कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किए कैमरा परचेस किया ये लाइट परचेस करी ये सर आईपैड परचेज किया बहुत सारे गुड्स मैंने परचेज करी उन सब के परचेज पे एक्साइज पे किया मैंने किससे परचेस किया मैन्युफैक्चरर से बेटा क्या पे किया एक्साइज सर्विसेज परचेस करी, करी बेटा सर्विसेज उस पर क्या पे किया मैंने सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स जो पे किया उसका भी मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चो क्रेडिट इसमें बेटा अब सर जब मैंने ये आईपैड परचेस किया ये कैमरा परचेज किया सर ये टीवी परचेज किया ए सी परचेज किए इनके परचे मैंने वेट भी पे किया बेटा हा ना भाई क्या उस वेट का क्रेडिट इस सर्विस सप्लायर को मिलेगा क्या बेटा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि सर्विसेज पे वेट लग ही रहा जब मेरी सेल पर वेट नहीं लग रहा तो मेरे को वेट का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा यहां तक बात समझ समझी बेटा तो सर दुख समझने की कोशिश करना बेटा खुशियां तो हमने बांट ली जो दुख समझ ले किसी का वही इंसान है वही सच्चा प्यार है बेटा वाह वाली कोई बात नहीं थी बेटा इसके अंदर ये सच्चाई यही बेटा कि खुशा तो सब बांट लेते बेटा जो दुख बांट पाता ना बेटा वही सच्चा दोस्त है आपका तो दुख बांटने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने बहुत हो गया इतना पॉइंट ये है कि सर मैं सर्विस सप्लायर हूं अगर मैंने परचेज ऑफ गुड्स पर रेट पे किया मेरे को कोई क्रेडिट सर्विस टेक, सर्विस टैक्स पे क्या क्रेडिट मिल जाएगा एक्साइज पे क्या क्रेडिट मिल जाएगा को आउट ठीक है मेरे को भी नहीं सर यार आप सोच के बताइए इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर मेरे आउटपुट सर्विस पे केवल सर्विस टैक्स लगने वाला है कोई एक्साइज नहीं लगेगा कोई वेट नहीं लगेगा मेरे को जाएगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा इस सर्विस सप्लायर ने टीवी परचेज किया ये क्लास में आपको 10 एसी दिख रहे ये 10 एसी है मैंने परचेज किए सर कहां से परचेज किए होंगे ये कैमरा परचेज किया ये आईपैड परचेज किया ये म्यूजिक सिस्टम परचेज किया ये माइक सिस्टम परचेज किया बताओ ये कैमरा लेने में कहा गया बेटा आस पास के शोरूम पे गया दुकान पे गया उस शोरूम वाले ने क्या क्या कैमरा बनाया है बेटा उसने? उसने? क्या, क्या ट्रेड है? है? बेचा है? उस शोरूम वाले ने जब ये कैमरा बेचा होगा उस पर क्या लगाया होगा उसने आवाज यारी क्या लगाया होगा बेटा वेट अच्छा इस कैमरा पे कहीं कही ना कहीं एक्सरसाइज तो लग चुका है बेटा है हाँ ना भाई जब मैन्युफैक्चर हुआ तो अब एक्साइज लग गया पर सिंस ही ट्रेडर जिससे मैं परचेस कर रहा हूं वो बिल पे क्या लगाएगा बेटा वेट मैं कौन हूं सर्विस सप्लायर सर्विस सप्लायर के सर्विसेज भी क्या लगेगा बेटा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स के लिए क्रेडिट किसका मिलता है बेटा एक्साइज का मिलता है अरे हाँ ना वेट का बिल पे है क्या बिल पे है क्या वेट चाहिए क्या मतलब जो चाहिए वो है नहीं जो है वो चाहिए नहीं डोन्ट लिंक इट विद लाइफ मतलब बिफोर जीएसटी क्या हो रहा था समझिए बात को ध्यान से सरकार ने कहीं मना नहीं किया था सर्विस प्रोवाइडर को कि तुम सैंडविट किट नहीं ले सकते तुम एक्साइज क्रेडिट नहीं ले सकते ऐसा कहीं मना नहीं किया था उनको बोला तुम एक्साइज क्रेडिट लो ना हमने क्या मना किया वो प्रैक्टिकली मैं क्या एक कैमरा खरीदने क्या फैक्ट्री के बजाऊंगा क्या ये आईपैड करने के लिए मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा मैं पता आगे। पता आगे। की है पता है है की फैक्ट्री आपको गुड़गांव में गुरुग्राम में बेटा आपको नहीं पता जाऊंगा चला भी गया तो क्या एक एक कैमरा बेचेगा क्या मैंने उसको एक कैमरा बोला एक ट्रक कैमरा मैंने ट्रक नहीं एक कैमरा बाहर निकल भाई पहली बात मैं जाऊंगा नहीं वो रिटेल में काम करता नहीं बच्चों यार इज अ मैन्युफैक्चरर समझे आप मेरी बात सर अब बिल पे क्रेडिट मिलता है किसका एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है नहीं बिल पे है क्या वेट जैसा क्रेडिट चाहिए नहीं जो है वो चाहिए नहीं जो जो चाहिए वो है नहीं दिस इज व्हाट द लाइफ वाज बिफोर जीएसटी आया ना भाई क्लियर वो प्रैक्टिकली आप समझ मैं खुद 2010 से

ये दुख हो गया किसका सर्विस प्रोवाइडर का बेटा समझे मेरी बात अब बात इसकी ट्रेडर्स की बेटा सपोज आपकी दुकान है आपका शोरूम है क्या करते हो बेटा आप शोरूम दुकान में क्या करोगे बेटा गुड्स बेचोगे ना बेटा तो बोलो ना देख रहे कस्टमर आया है बस क्या तेरी अदा है, है ना सर सुनना पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अगर आपका शोरूम में अगर आपकी दुकान है आप क्या करोगे गुड्स बेचोगे यू आर अ ट्रेडर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स क्या लगता है बेटा वेट ना नो सर्विस टैक्स नो ड्यूटी अब सोचिए उस शोरूम वाले ने वो कैमरा से किया था डायरेक्ट बेटा क्या पे किया होगा उसने एक्साइज और वेट दोनों पे किए होंगे एक्साइज तो लग गया बेटा डायरेक्ट कॉस्ट में जुड़ा होगा बेटा उसके हाँ वेट का ग्रेट जरूर मिल जाएगा बेटा उसका एक्साइज तो गया कोस्ट में बेटा कोई क्रेडिट नहीं है आपने शोरूम वाले को कंसल्टेंसी दी आपने अकाउंटिंग किया आपने मार्केटिंग किया आपने ऑडिट किया बिल पे क्या लगाया बेटा सर्विस टैक्स इसी सेल पे क्या लग रहा है बेटा वेट एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता मतलब बिल सर्विसेज का देखते ही जी दुखता था बेटा दिल दुखता था बेटा किसके लिए सर्विस देने वाले के लिए नहीं बेटा सर्विस टैक्स के लिए बेटा कि क्रेडिट नहीं मिलने वाला हा मालिक क्लियर सो अगेन ये दुख था पर? ट्रेडर्स को बेटा कि परचेज पे एक्साइज पे कर रहे वेट एक्साइज पे कर रहे स, आ, सर्विस टैक्स पे कर रहे एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा अल्टीमेटली वो क्या बोलता था सर्विस प्रोडक्ट को बिल मध्य कैश ले पेमेंट क्यों बिल देगा तो सर्विस टैक्स मेरी कोस्ट में जुड़ेगा पंद्रह परसेंट था सर्विस टैक्स फिफ्टीन परसेंट डैट फिफ्टीन परसेंट कोस्ट आप बोलता था क्या खत्म कर दो नंबर में खत्म कर कैश में ले बात खत्म कर बिल दे ही मत. तेरे रिकॉर्ड में लाई मत सर्विस हाँ है ना अल्टीमेटली क्या होता था यही होता था बेटा समझा मेरी बात क्लियर तो सर ऑल दीज इस तरह इसके साइड इफेक्ट भी था इस तरह के बेटा समझा मेरी बात क्लियर अच्छा ये दुख होगी कि किसका ट्रेडर्स का सर्विस प्रोडक्ट का दुख मैंने आप, आपको बताया कोई मैनुफेक्चर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं था बेटा अब मैन्युफैक्चरर को आपको दिखने में क्या दिख रहा है बेटा एक्स्ट्रा सौ क्रेडिट मिलता है वेट का भी मिलता है सर्विस टैक्स का भी मिलता है उसको बेटा पर जरूर थोड़ा है कि मैन्युफैक्चरर भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही परचेस कर ले बेटा अब मैन्युफैक्चरर को अपनी फैक्ट्री के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना है बेटा वो कहाँ से खरीदेगा बेटा वो दुकान वाले से खरीदेगा ना आसपास के यार वो थोड़े मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं भी मैन्युफैक्चरर से ही परचेस करूंगा अरे भाई दो एसी परचेस करने उसको कहां से खरीदेगा आसपास से शोरूम से खरीदेगा ना यार बिल पी क्या लगा हुआ है वेट अब उसके बिल पे एक्साइज नहीं है इसकी वजह से उसको भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा बेटा तो कई सारे कई सारे दुख तो उसको भी थे बेटा हाँ है ना सर स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो पा रहा था बिफोर द जीएसटी इसलिए देर वॉज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल... फेक्ट को इरेडिकेट कर पाए टैक्सेशन को बड़ा स्मूथ कर पाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को एकदम स्मूथ करके पास ऑन कर पाए एंड कंज्यूमर तक बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली क्रेडिट नहीं मिल रहा तो कॉस्टिंग बढ़ रही है कॉस्टिंग बढ़ रही तो अल्टीमेटली सेल प्राइस बढ़ेगी बेटा अल्टीमेटली बर्डन किस पर जाएगा एंड कंज्यूमर पर जाएगा अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी बेटा हा है ना मालिक इसलिए गवर्नमेंट ने एक सपना देखा सपना को देखा ऐसा नहीं बोला बेटा गवर्नमेंट ने एक सपना देखा क्या सपना देखना अच्छी बात है पर सपनों को अच्छा सपने देखना अच्छी बात है पर सपना को देखना अच्छी बात नहीं है बेटा तो क्या सपना मुंह पे चेहरा पे पत्ता बांध के घूमेगी क्या सपना को देखो वो भी के इसलिए देखने के लिए घूम रही बेटा क्लियर हो गया बस आओ बेटा सर सपने देखना अच्छी बात है पर सपनों के लिए वर्क करना भी बहुत अच्छी बात है बेटा सपने उन्हीं के पूरे तो जो सपने देखते हैं पर जो केवल सपने देखते हैं उनके सपने कभी पूरे नहीं होते आइए बच्चों सर हो ज्ञान की बात बेटा आओ आता हूँ तो, थोड़ा बहुत सर अब पॉइंट मेरा आपसे से है इसलिए देर वॉज अफ अस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को इरेडिकेट कर पाए और गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लेके आया गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम ले आया है जिससे आप मैन्युफैक्चरर हो सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स कर दे वन टैक्स वन कर दे और सर गवर्नमेंट ने सपना देखा क्यों ना अब जीएसटी लेके आ जाए हा है ना तो सर गवर्नमेंट ने सपना कोई नया नहीं देखा बहुत सालों से सपना देख रही थी बेटा राहुल की मम्मी ने भी सपने देखे थे बेटा सर सुनना बात ध्यान से सर पर केवल सपने देखने से पूरे नहीं होते है ना सर सपनों के लिए काम करना पड़ता है सरकार सुनना बात को ध्यान से और सर जीएसटी गवर्नमेंट ने सपना देखा क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स कर दे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कर दिया जाए अब सर आप मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो या सर्विस सप्लायर हो परचेज पे जीएसटी पे करोगे सेल पे जीएसटी पे करोगे परचेस पे जीएसटी पे क्या क्रेडिट मिलेगा सेल पे जीएसटी पे करोगे आप लाइब्रेडी में एड कर देना और सर क्रेडिट को यूज कर लेना बच्चों हा है ना भाई सिस्टम कितना अच्छा हो जाएगा क्यों ना इन सबको मर्ज करके सिंगल टैक्स कर दिया जाए पर सर वेट वॉज दी स्टेट रेवेन्यू हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग एक्ट था अपने अपने स्टेट के हिसाब से एंड वेट द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स और एक्साइज में तकलीफ नहीं थी क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों क्या था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू थी दोनों का क्रेड वैसे भी आपस में दोनों में मिल रहा था तकलीफ किसकी थी बेटा वेट लो की थी बेटा क्योंकि हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से एक्ट बनाया हुआ था हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से लॉ बनाया हुआ था सर इस पर हा है ना सर अब सर अगर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे सर मर्ज करके सिंगल टैक्स बनाना है तो सवाल सबसे पहला रेवेन्यू होगा किसका ये जीएसटी किसका रेवेन्यू होगा अगर सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो स्टेट क्या करेगा सारा रेवेन्यू अगर स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी साहब ना मालिक क्लियर सर नोबडी कैन लूज रेवेन्यू यार इसलिए डिसाइड किया मिल बांट के खाएंगे आधा तेरा आधा मेरा तो ड्यूअल इकोनॉमी ड्यूअल जीएसटी बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी के अंदर बेटा सब में नहीं बेटा दो ही है और तरबूज तो ही नहीं बेटा क्लियर सुनना बात ध्यान से जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स यहां पर डुअल जीएसटी बेस्ड गवर्नमेंट ने टैक्स लॉन्च कर दिया और बोल दिया आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा स्टेट गवर्नमेंट का सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया और बोल दिया अगर 18 परसेंट टैक्स है तो तो परसेंट क्या बच्चों सीजीएसटी और 9 परसेंट क्या होगा बेटा तो एसजीएसटी अब मैन्युफैक्चर गुड्स बेचेगा तो भी क्या लगेगा सी जी एस टी और एस क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी ट्रेडर अगर गुड्स बेचेगा तो भी क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी सी पे सीजीएसटी एसजीएसटी सेल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी

अच्छा सहा नहीं आया मैं मैं गलत पढ़ाऊंगा बेटा सर सी जीएसटी और एस जी एस टी आपस में काम आएंगे क्या बच्चे क्यों सी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पर सी सी में काम आएगा एस एस में जरूर काम आएगा यहां तक आपको बात समय आ गई बच्चे यार हा है ना मालिक अरे क्लियर है क्या ओके सी जीएसटी किसका रेवेन्यू होगा एस जी एस टी बहुत बढ़िया ओके सर सी जी एस टी विल बी रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एसजीएसटी विल बी द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ठीक अभी जैसे मैंने बोला कि आधा आधा एब्सल्यूटली इक्वल नाइन परसेंट सीजीएसटी तो नाइन परसेंट एसजीएसटी होगा हाँ ना तो मालिकार ये एक्ट कौन बनाएगा बेटा आप समझने की कोशिश करना एक मिनट एक मिनट हां हम मतलब ठीक है हम ही है पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बेटा पावर किसके पास होगा ये जीएसटी बनाने का पावर किसके पास होगा क्योंकि जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा होगा वही किसमें लिखा होगा हर एस जीएसटी एक्ट में लिखा होगा बेटा क्योंकि अगर एक्ट अलग अलग हो गए तो वही सिस्टम हो जाएगा वन नेशन वन टैक्स नहीं हो पाएगा बेटा देखो वन टैक्स का मतलब क्या है जो रेट ऑफ टैक्स महाराष्ट्र में वही रेट ऑफ टैक्स हिंदुस्तान के हर स्टेट में बेटा अच्छा एक्साइज और सर्विस टैक्स तो वैसे भी पूरे इंडिया में एक ही था यार फर्क था वेट में था ना किसी गुड्स स्टेट स्टेट महाराष्ट्र में रेट है कितना फोर्टीन परसेंट किसी गुड्स पर वही गुड्स पर राजस्थान में फोर परसेंट बेटा तो लोगों को जहां सस्ता मिलता था वहां से आते थे बेटा अमेजोन फ्लिपकार्ट मजे यही तो लिए जिस स्टेट में रेट ऑफ वेट कम हुआ करती थी उस स्टेट में उस गुड्स का गुड़न डाल देते थे बोलो तो बात का बात बात, बात बताऊंगा अभी थोड़ा माइंड मेच्योर होगा तो समझ में आएगा आपको अभी समझ में नहीं आएगा हाँ पर अगर जीएसटी के अंदर भी हर स्टेट वाइज रेट ऑफ वेट अलग अलग हो जाए तो तो मतलब ही नहीं रहा ना वन नेशन वन टैक्स का यार जो सी का रेट होगा वही किसका होगा एस स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती पता है? तो एस जो एस, एस का रेट होगा वही सीखा होगा बात केवल पावर की है मैंने बोला वही तरह करने का है। ये क्या बोलता है जो मैंने बोला वही तरह करने का फर्क है ना यार झगड़ा हो जाएगा तो यार अब तक वेट लूज बनाता था कौन स्टेट गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथों से सारा पावर खींच ले बेटा तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट मानेगा बेटा कोई नहीं मानेगा बच्चे। सारा खेल ही पावर का चल रहा है यार नो बडी वुड मतलब चलो रेवेन्यू लूज नहीं करेगा पर तो पावर ले ले हमारे हाथ से नहीं चाहिए जीएसटी हम खुश है वेट में खुश है सारे स्टेट ने मना कर दिया वरना सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा हमको मानना पड़ेगा ना हो पाएगा तो सेंटर में बोला हा, हा तो हम आपकी सुनेंगे मिस्टर ने बोला सर बात समझ आ रही है बेटा अब सोचिए अगर अगर सिस्टम सही नहीं हो और सर केवल एक बार एक बार इंप्लीमेंट करने के लिए जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि सपोज नाइन परसेंट सीजेसी रेटेड नाइन परसेंट किसकी है एस जीएसटी की है क्लियर और कल को अगर स्टेट गवर्नमेंट नाइन की जगह कितना कर दे फाइव परसेंट कर दे सर तो क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना करना पड़ेगा आवाज नहीं आ रही फाइव परसेंट करना पड़ेगा सर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे परसेंट कर दिया पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टेट है सारी स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना अपना रेट कितना करना पड़ेगा फाइव करना पड़ेगा यार मतलब सोचिए अगर कोलकाता के अंदर या वेस्ट बंगाल ममता दीदी का दिमाग खराब हो गया मान लो गुस्सा आ गया उनको कि यार ये सेंट्रल अपनी बात नहीं सुन रही ले भैया किसी को नोटिफिकेशन देना पड़ा कि हमारे हिंदुस्तान में सी जी रेट कितनी होगी इस गुड्स पे फाइव जैसे ही उन्होंने सी की रेट फाइव करी बाकी सारे स्टेट में भी फाइव होनी चाहिए बेटा एस की रेट तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया नोटिफिकेशन निकाला क्या इमीजिएटली वो भी कि कल से रेट कितना रहेगा फाइव परसेंट रहेगा एस जीएसटी का उठ के ममता दीदी ने बोला नहीं 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 ही ठीक था चलो चेंज नाइन परसेंट कर दो तो, साहब क्या होगा अभी खेलते रहेंगे बेटा लोग आपस में बेटा ये क्या प्रैक्टिकली सही हो पाएगा ये बेटा यार आप सोचिए इन चीजों को यार आप डायरेक्ट के हम पढ़ लेंगे मजा नहीं आएगा यार आप सोचिए क्या प्रैक्टिकली जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाएगा क्या इसलिए अब क्या करें इसलिए सबने मिलके बात करी कि न तेरा न मेरा हम सब मिलके काम करेंगे तो ये काम हो पाएगा सर सारा पावर ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ना सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को हां मिलके पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट करके अगर कर बात करते हो तो बात करें नहीं तो टाटा बाय से ही हो हाँ है ना भाई इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया भारतीय संविधान के प्रोविजन के थ्रू एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई क्या बनाया साहब जीएसटी काउंसिल क्या है पता है आपको सर इसके अंदर मेंबर्स है हर स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स से, है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर्स हाँ, है हां इसकी चेयरमैन होगी कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगी होगा केस में भी, अभी होगी ये वाला है इसलिए होगी बोल लिया मैंने क्लियर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल और हर स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके मेंबर्स होंगे अब जीएसटी काउंसिल हर कुछ टाइम में मीटिंग करती है बेटा आपने सुना होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन हुए क्लियर हर कुछ वक्त में जीएसटी काउंसिल मीटिंग करती है इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्कशन करती है सब लोग वहां बैठ के सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठ के डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि पे क्या, क्या होना चाहिए यहां पे क्या होना चाहिए उसके बाद जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करती है वो रिकमेंडेशन बेचती किसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम अपने अपने लॉज के अंदर ये चेंजेस करो साहब तब जाके नोटिफिकेशन एक साथ सब जगह इश्यू होते हैं तब जाके जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है हिंदुस्तान में शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बचे हा है ना भाई अरे क्लियर जीएसटी काउंसिल क्या होता समझ में आया कि नहीं आया अरे क्लियर जितने भी रेट्स ऑफ टैक्सेस है ये सब भी डिसाइड जीएसटी काउंसिल ने किया है किन, कौन सी गुड्स को एग्जिम करना है कौन सी गुड्स को टैक्स लगाना है कौन सी सर्विस को एग्जिम करना है कौन सी सर्विस को टैक्स लगाना है क्या रेट से टैक्स लगाना है जीएसटी बच्चों अरे क्लियर ये yes. तब जाके ये टैक्स इंप्लीमेंट हो पाया है अच्छा अब मुझे बताना आप लोग कि सर मान लो क्या बेटा ये बॉटल है ना किसने बोला चढ़ती शराब से चढ़ती माहौल से सर मान लो ये क्या बेटा पानी पानी की बोतल बेटा पानी बोलेंगे ना बेटा क्या पी रहे हो बोतल पी रहे हो पानी ना आपने क्या बोतल के लिए खरीदा है पानी के लिए खरीदा है इसका भी सेक्शन बताऊंगा तो मैं आपको बेटा सेक्शन नंबर एट बताऊंगा मैं आपको कि इस पर रेट ऑफ टैक्स बोतल की लगेगी कि पानी की लगेगी बेटा सेक्शन नंबर एट में लिखा हुआ है बेटा ये क्लियर आप बताओ क्या होना चाहिए खत्म सेक्शन क्लियर यस और क्या मैं कह रहा हूं आपसे जितना प्रैक्टिकल पढ़ोगे उतना मजा आएगा आपको बेटा पानी करेक्ट क्लियर अब सर ये पानी की बोतल मान लो सर मैं कहा बेटा अरे भाई अब ये ध्यान रखना कुछ टाइम के लिए मेरी फैक्ट्री चलेगी रोज यही पे बेटा पुणे एकदम तो अकेडमी क्लियर प्रेस्टीज पॉइंट बेटा हाँ है ना भाई क्लियर मेरी फैक्ट्री है या मैं मार्केट बनाऊंगा बेटा और भी जो भी गुड्स बनेगी सब यही बनेगी बेटा ठीक है मैं कहा हूं पुणे महाराष्ट्र ओके ऑनलाइन लेक्चर में जो है पुणे महाराष्ट्र है ये. सर ओके okay. मान लो आप भी क्या नाम सर सिद्धेश सिद्धेश ओके okay. तो सिद्धेश भाई भी कहा है महाराष्ट्र में सर सुना बात को ध्यान से <coughs> अब मालिक मैं भी महाराष्ट्र अभी महाराष्ट्र मैंने गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेच दी बेटा गुड्स बेचा है बेटा पानी बेचा है क्लियर सर अब मैंने गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेचा है क्या सपोज एटीन परसेंट इज द टैक्स बताओ क्या लगेगा सी जी एस टी कितना बेटा नाइन परसेंट एस जी एस टी कितना पक्का गुड सिद्धेश भाई ने गुड्स आगे बेचा बेटा नहीं नहीं तू खरीदने वाला लायक है नहीं बेटा <laughs> सर <laughs> सर मैडम क्या नाम बेटा आरती सर सिद्धेश ने गुड्स आरती को बेचा आरती का बेटा महाराष्ट्र में अगेन क्या लगेगा सी जी और एस जी एस टी आरती ने गुड्स बेचा कहा क्या नाम बेटा सानिया कहा हुआ बेटा मान लो मध्य प्रदेश होता घर की याद आती बेटा पर अभी नहीं बेटा सर इनको घर की याद आ रही बेटा सर सुना पॉइंट <coughs> ये कि अब मान लो आप महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ने गुड्स बेचा कहा बेटा मध्य प्रदेश में बेटा अब क्या लगेगा बच्चा आई तो चलो आपने सुना इसलिए बोल रहे बेटा पर आप सोच देखो बेटा पहले सिस्टम बनाते ना अपन लोग अब सोचिए आपने महाराष्ट्र से गुड्स मध्य प्रदेश में बेचा है यू टेल मी अभी रेवेन्यू किसका होगा सेंट्रल का अभी तो बोला था तरबूज कटेगा ना बेटा मिल बट के खाएंगे ना बेटा और काट के छिलके हमको दे दिए बाकी सब खा गया खुद हा है ना भाई समझना से अब, कि, अब किसका रेवेन्यू होगा ये सर अभी आपने कहा था रेवेन्यू विल बी डिवाइडेड बिटवीन टू सेंट्रल और स्टेट अब क्या होगा सर सी जी एस टी और एस जी एस टी लगेगा क्या होगा बेटा और अगर सी और एस लगेगा चलिए चलो 50 परसेंट तो सीखो दे दिया कोई तकलीफ नहीं बेटा अब 50 परसेंट जो एस जी एस टी का रेवेन्यू होता है वो कौन सा स्टेट महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वाले बोलेंगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले बोलेंगे महाराष्ट्र झगड़ा हो जाएगा बेटा इसलिए न सी न कोई एस जी एस टी गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा क्या होगा बेटा तो उसको ऐसे केस में आई चार्ज करेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसका फुल फॉर्म है आई जी एस टी विल डायरेक्टली बेटा ओके ठीक है सर ये तो बड़ी अच्छी बात की थी आपने पर सर अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला सर हाँ आया पॉइंट आया दिल से आया क्या पूछा आपने बेटा ये रेवेन्यू है किसका सर आया ना मजा सर ये अपने आप क्वेश्चन बनने चाहिए माइंड में सर इट मीन आप सोच रहे हो चल रहा है सर मिलेगा मिलेगा ना बेटा मिलेगा कभी नहीं लेना पड़ता है सर पॉइंट ये कि मालिक ये रेवेन्यू मिलेगा किसको बेटा कौन सा स्टेट लेगा कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा कि स्टेट लेगा किसकी रेवेन्यू होगी आईजीएसटी समझ रहे बच्चों अगेन इसमें झगड़ा हो गया बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बोला की ऑब्वियसली हमारी होगी स्टेट गवर्नमेंट बोला ठीक है फाइल बंद नो जीएसटी चलो अपने घर घर <laughs> ये जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानेगी तब तक जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा बेटा साहब गवर्नमेंट आ रहे बेटा बेटा बात करते हैं यार समझ जाओ आप क्यों होती हो क्यों होते हो सर बात समझ रहे हो आप अब किसका रेवेन्यू होगा झगड़ा हो गया बेटा ये तो सर वहां फंडा आया कि अल्टीमेट 50 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का अग्रीड पर रिमेनिंग 50 कौन से स्टेट का सर हा तो उसके लिए अगेन आपको कौनसेप्ट समझना पड़ेगा सर जिसको बोलते क्या जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजुमशन टैक्स वो समझोगे तो मजा आ जाएगा सर और वो मजा आएगा तब जाके समझ में आएगा कि आईजीएसटी का हुआ क्या आखिर Clear? अच्छा आपको ब्रेक तो नहीं चाहिए बेटा अभी मैं नहीं पूछता तो क्या होता बेटा बेटे थे सर हमें तो फर्स्ट डे सर इसलिए बैठे थे ना वरना कह के, के हम ब्रेक ओके कितनी मिनट देर का ब्रेक चाहिए बेटा आपको हाँ दस मिनट पक्का दस मिनट विल हैव टू बिगिन द लेक्चर अगेन बेटा ओके बच्चों, ठीक है टेन मिनट्स घड़ी वाले बेटा अपने वाले दस मिनट नहीं बेटा ओके थैंक यू सर चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद और जो वीडियो क्लास में है या जो यहां पर है मैंने जो लिखा था उसका क्लिक यू कैन हां बाद में भी ले सकते हो लेक्चर के बाद में भी मैं रोटेट कर लूंगा एक बार सेकंड एक सेकंड है बेटा ओके चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद दस मिनट के अंदर अंदर बेटा